हम इससे पहले कि खुदावन ये संसार बनाया जाए, हम आपके अंदर पाए जाते थे गुणों के रूप में प्रभु, और उन गुणों के वजह से प्रभु आप विवश हो जाते हैं प्रभु। वो प्रेम आपको विवश कर देता है हमारे बीच में आने के लिए प्रभु, ताकि आप हमारे बीच में उतर के आ जाएं प्रभु। आप आते हैं खुदावन, वचन को खोलते हैं प्रभु, आप वचन की गहराइयों में हमें ले जाते हैं प्रभु। आप जो इटर्नल गॉड है खुदावन, आप जो सोते हैं प्रभु, पवित्रताई के खुदावन, आप हमारे बीच में आते हैं प्रभु और वचन को ऐसे खोलते हैं प्रभु, ताकि हम उसको देख के उत्तेजित हो सके प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं खुदावन, आपने इब्राहिम से कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह, उस विश्वास के पिता ने 25 साल बतवाते खुदावन आप पे विश्वास किया प्रभु। ओ खुदावन आप अल शद्दाई बन के उसके पास आए प्रभु, और खुदावन आपने उन स्तनों को दिया कि ले उन प्रॉमिसेस को मुझसे ले। ओ खुदावन मैं आपसे आपका धन्यवाद करता हूँ, वायदे आपने आज हमें भी दिए प्रभु, इब्राहिम के वंश होने के नाते प्रभु। और खुदावन कैसे जब मैं नबी को सुन रहा था, नबी बता रहे हैं कैसे जब एक बच्चा अपनी माँ के स्तन से अपने मुंह को लगाता है प्रभु, वो अपने रोने को भूल जाता है, वो अपनी चिंताएं खो देता है, और खुदावन उन वायदों में वो लग जाता है। ओ प्रभु यीशु मसीह आज कुछ बच्चे हैं खुदावन जो कि यहाँ पर आए हैं प्रभु, उन वायदों को खुदावन लेने के लिए, उस नई बॉडी को नर्स करने के लिए प्रभु, उस अनंत जीवन को लेने के लिए खुदावन। मेरी प्रार्थना है सब भाई बहन जितने भी यहाँ पर आए सबको बड़ी बरकत दे खुदावन। आप सच्चे और वाहिद खुदावन है प्रभु। आपने कहा बाइबल में लिखा है God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. आपने जो एक बार बात बोल दी खुदावन वो फाइनल है प्रभु। अगर आपने कुछ लोगों को यहाँ पर चुन लिया खुदावन और आपने उन्हें बोल दिया यू आर माई चॉइस, ये फाइनल है खुदावन। ओ प्रभु ये हमें जो अपने वादों को भूल जाते हैं प्रभु, ये हमें खुदावन जो चीजों से भटक जाते हैं खुदावन, हम लाइन से भटक जाते हैं, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपका दूत आता है खुदावन और बार बार हमें बोलता है गेट बैक इन लाइन। ओ खुदावन आपके नाम की तारीफ हो प्रभु। मैं चाहता हूँ आज शाम को आप हमारे बीच में आए, हमारे बीच में आप प्राथमिकता पाए खुदावन, और आप हमारे बीच में वचन को रखे प्रभु। ओ प्रभु यीशु मसीह गहरी बातों को आप हमारे बीच में खोले खुदावन, हम उत्तेजित होना चाहते हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना है खुदावन अजीज पास्टर भाई आशीष के लिए खुदावन, बड़ी बरकत दे खुदावन, जिस दे को आज आपने यूज किया खुदावन हमारे बीच में प्रभु। ओ खुदावन अपने वचन की गहरी बातों को समझाने के लिए प्रभु, इस फ्यूचर होम के संदेश को प्रभु मैं ऐसे नहीं समझ सकता था प्रभु। सच बात है नबी ने यू ही नहीं कहा कि मैं अपनी उंगलियों में गिन सकता हूं कितने लोग इसको समझ पाए, लेकिन आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु हमें समझाने के लिए प्रभु। आपने उस संदेश को भी खुदावन कितने टुकड़ों में विभाजित करके हमारे पर हमारे मुंह में खुदावन चोच में डालना शुरू किया खुदावन। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा, आपका नाम मुबारक हो। आप हमारे बीच में आके चुंबिश होते हैं खुदावन, और आप खुदावन चीजों को खोलते हैं प्रभु, हमारी आंखों से छिलके उतारते हैं प्रभु ताकि हम देख सके खुदावन, हमारे कान के बहरेपन को आप हटाते प्रभु ताकि हम सुन सके प्रभु और एक्ट अकॉर्डिंग कर सके खुदावन। आपके नाम की तारीफ और स्तुति और बढ़ाई हो प्रभु। मेरी प्रार्थना तमाम भाई बहनों के लिए जो बड़ी अपेक्षित आए खुदावन, बड़ी बरकत दे प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा से भर दे खुदावन। पवित्र आत्मा यहां से बोले, पवित्र आत्मा वहां से सुने लॉर्ड। ओ खुदावन एक अभिषेक हम यहां पे देखना चाहते हैं लॉर्ड। अपने आप को आपके हाथों में सबमिट करते हैं प्रभु, अपनी निगाहें आपकी ओर उठाते हैं खुदावन, क्योंकि वचन में लिखा है जितनों ने आपकी ओर निगाहें उठाई उनके चेहरे कभी शर्मिंदा नहीं हुए लॉर्ड। अजीज भाई टाइटस के लिए प्रार्थना करता हूं खुदावन, संपूर्ण चंगाई दे प्रभु। ओ खुदावन इस प्यारे एल्डर भाई के लिए मैं आपका बड़ा धन्यवाद देता हूं प्रभु, इस उम्र में भी खुदावन कोई मीटिंग छोड़ते नहीं लॉर्ड। आप उस भाई को बड़ी बरकत दें प्रभु, तमाम सर्वाइकल पेन को गिडीनेस को आप दूर करें खुदावन, तंदुरुस्ती बख्शे प्रभु, उनके परिवार को आप बड़ी बरकत दें खुदावन, पास्टर आशीष लाल के परिवार को बड़ी बरकत दें खुदावन। आज इस वेसल के माध्यम से खुदावन आप हमसे बातचीत करेंगे, प्रार्थना करता हूं आप इन मॉर्फियो हमसे बातचीत करें प्रभु, क्योंकि हम किसी इंसान की ओर नहीं देखते प्रभु, हम खुदावन शरीर के परे आपको देखते हैं खुदावन, जो हमारे बीच में आते हैं प्रभु, रोट
रोटी तोड़ते हैं खुदावंद और हमें खिलाते हैं प्रभु, हमारी भूखों को तृप्त करते हैं खुदावंद। हम में से हर एक खुदावंद बड़े ही एक्सपेक्टेशन के साथ यहां बैठे प्रभु, जैसे सिमियन खुदावंद बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ भवन जाता था प्रभु, उस खुदा के मसीह को हैंडल करने के लिए प्रभु, उसको मालूम था एक दिन उसकी मुलाकात होगी प्रभु, वैसी अपेक्षित हम यहां पर आए हैं खुदावंद, इस बात को जानते हुए कि आप यहां मौजूद हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना है खुदावंद ब्रदर अमर पाल के लिए, खुदावंद मवाना के प्रभु जिनका हाथ जल गया, आप उस भाई को संपूर्ण चंगाई दें, और भी यदि कोई भाई या बहन या बीमार हो खुदावंद, मेरी प्रार्थना है प्रभु जब वो आपकी प्रेजेंस में आया है प्रभु, आप संपूर्ण चंगाई दें। उन भाई बहनों के लिए जो इंटरनेट के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए प्रभु, वो भी सभी शेक को अपने घर में प्राप्त करने पाए खुदावंद। प्रभु आपका नाम मुबारक हो प्रभु, इस फेलोशिप के लिए मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपका नाम मुबारक हो, आदर महिमा धन्यवाद स्तुति बड़ाई आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुने और कबूल करें, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की तारीफ हो, प्रेज द लॉर्ड। यस, खुदावंद की कलीसिया सोई भी कलीसिया नहीं है, एक जीवित कलीसिया है, और खुदावंद सोयों को लेने नहीं आया है, कि बाइबल लिखा है तुम मुर्दों में जिंदगी को क्यों ढूंढते हो, तो जहां खुदावंद पाया जाता है वहां जिंदगी होती है, वहां हरकतें होती हैं, हाथ पैर हिलते हैं, मुंह खुलता है, तारीफ होती है, खुदा का धन्यवाद होता है, आमेन, प्रभु के नाम की तारीफ हो। इस गीत को गाएंगे हम, गीत का नंबर 359 इंग्लिश सेक्शन से, और इन कोरसेस को हम गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। एवरी प्रॉमिस इन द बुक इज माइन, एवरी चैप्टर एवरी वर्स एवरी लाइन, एक संदेश सुन रहा था नबी कह रहे हैं पेंटिकॉस्टल की तरह मत गाइएगा, समझ मारी है, डिनोमिनेशन के तरह इन गीतों को नहीं गाइए, माफी का गाए जाते हैं एवरी प्रॉमिस इन द बुक इज माइन, लेकिन उनको मालूम है उनका वायदा क्या है, अपने वायदे को देखिए आपके लिए खुदा ने क्या क्या वायदा किया है। इब्राहिम उन वायदों में टिका रहा, और जब मैं नबी का संदेश पढ़ रहा था नबी कह रहे हैं जब खुदा ने उसको वायदा किया कि मैं तेरे से वंश उत्पन्न करूंगा, सारा के पास जाता है कुछ नहीं हो रहा, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, डॉक्टर्स के पास गए कहा कि हमारा रिजर्वेशन कराओ बच्चा आने वाला है, डॉक्टर्स कह रहे हैं ये तो दोनों बुजुर्ग हैं चला भी नहीं जा रहा इनसे, डॉक्टर भी हंस रहा है उनके ऊपर, लेकिन कह रहे डॉक्टर हमारा रिजर्वेशन कर दो, मेरी पत्नी बूटिया तैयार कर रही है, कपड़े तैयार कर रही है, ऐसा विश्वास खुदावंद ने देखा, 25 साल लगातार बने रहे, एवरी प्रॉमिस इन द बुक इज माइन, क्या आप इसको कह सकते हैं, अगर एक रैप्चर है ब्रदर वो मेरा है, वो आपका है, क्या ये एक वादा है, ये दुल्हन नहीं मरेगी, ये जीवित यहां से उठा ली जाएगी, ये एक वादा है, आमेन। खुदावंद जो अनचेंजेबल गॉड है आज वो चाहता है आपसे बातचीत करना, आपके साथ बैठ के कॉन्फ्रेंस करना, मेरे भाई मेरी बहन वो आपके साथ उतरना चाहता है, आमेन, हालेलुया, प्रभु के नाम की तारीफ हो। आज एक दिन ऐसा बन जाए कईयों के जीवन में वो कह सके फ्रॉम दैट टाइम मेरे जीवन में कुछ हो गया, मैं अब तक आता तो रहा चर्च लेकिन ऐसी आता रहा, लेकिन उस दिन से कुछ खास काम हुआ मेरे जीवन में। मेरे भाइयों मेरी बहनों खुदा आपको बड़ी बरकत दे। Every promise in the book is mine. Every chapter, every verse, every line. मैं कहूंगा आज हर एक कोट हर एक हवाला जो नबी के संदेशों में पाया जाता है वो मेरा है, क्या वो आपका है? Amen. Every promise in the book is mine, is mine. Every chapter, every verse, every line. I have trusted in its grace divine. Every promise in the book is mine. Once again. Oh, every promise in the book is mine. Is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in its grace divine. Okay. Every promise in the book once again it is mine. Every
the name of Jesus. In the name of Jesus, we have the victory. Amen. Every promise in the book is mine. He never failed me yet. उस लहू ने कभी भी आपको छोड़ा नहीं. एक कॉन्फ्रेंस थी ईद पैंतीस के दिन, जब भी कुछ 130 थे, एक कमरा में इकट्ठा हुए थे, एक वायदा उन्हें बोला गया था और वो वहां बैठ गए थे, वो घुटनों में बैठे थे. बहुत सारी चीजें थी उनको हतोत्साहित करने के लिए. रोम उठ चुका था, परेशानियां थी, लेकिन वो एक उपरौठी कोठरी में बचते बचाते पहुंच गए और उन्होंने वहां घुटने टेके. क्या खुदावंद अपने बच्चों को कभी छोड़ सकता है? खुदावंद खुद वो पवित्र आत्मा जो वायदा किया गया था, वो प्रॉमिस उनके ऊपर उतर के आ गया. मेरे भाई मेरी बहन, अगर आज आप एक वायदे के साथ यहां बैठे और यहां पर आए, मैं आपको बताना चाहता हूं वो पवित्र आत्मा बाध है. आप तैयार हो एक रिफिलिंग के लिए. अगर आप अपेक्षा हेतु आए हैं, अगर आप अपेक्षा के साथ आए कि खुदावंद आज मैं यहां से भर के जाना चाहता हूं. एक कॉन्फ्रेंस थी उस दिन, भाई खुदा बड़ी बरकत है, भाई सुनील लाजस को संडे को रख रहे थे इन बातों को, कॉन्फ्रेंस विद गॉड, और खुदा का फजल हुआ, मैंने उस संदेश को सुना, मैं बड़ा ब्लेस हुआ. लेकिन जो दूसरे अध्याय में कॉन्फ्रेंस हुई, खुदा ने उनको पवित्र आत्मा दिया, ब्लेस किया, उसके बाद चीजें खत्म हो गई. क्या परेशानियां खत्म हो गई? जब तीसरे अध्याय में सुंदर नाम फाटक पे जाते हैं, कहते सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है, इन द नेम ऑफ जीसस वी हैव द विक्टरी. इन द नेम ऑफ जीसस, विद जीसस द प्रेजेंट वर्ड. बिकॉज उस समय के चेले उस यीशु को जो उस समय उनके बीच में आया था, उसको प्रचार कर रहे थे, और वो लगड़ा जो था जो सुंदर नाम फाटक में बैठा था, वो उछलने लगा, वो कूदने लगा, वो डांस करने लगा, खुदावंद की तारीफ करने लगा. Walking and leaping and praising God in the name of Jesus Christ of Nazareth. Rise up and walk. भाई ये काम हो गया, beautiful gate थे. लेकिन उसके बाद सेनेटिन ने फिर से एक कॉन्फ्रेंस बुला ली. उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस बुला ली, यीशु मसीह के नाम में बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इनको रोको. पिटाई करके, खूब पीट पाट करके छोड़ा. चौथे अध्याय में फिर से कॉन्फ्रेंस है, बिलीवर्स इकट्ठा हो गए उस स्थान में. उन्हें खुदावंद हमारे साथ बाइबल में लिखा है कि मूर्ति पूजा क्यों हुल्लड़ मचाए, आई डू द हीदन रेज, और उन्होंने खुदावंद को पुकारना शुरू किया. खुदावंद उधर के आ गए, वो जगह हिल गई. अगर ये सब कुछ हो चुका है पिछले दिनों में, व्हाट अबाउट नाउ? अगर आज आप एक कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, अगर आप एक टोटल डिलीवरेंस के लिए आए हैं उस अनचेंजेबल गॉड के पास, इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड? नो माय ब्रदर, बिलीव अस नाउ, दिस इज हियर टुनाइट. आमेन. दैट होली गोस्ट इज हियर, हिज पावर इज येट द सेम, आई बिलीव. एक बार हम लोग कमरे में प्रार्थना कर रहे थे, कुछ भाई लोग, लाइट चली गई थी और अचानक से एक भाई उठा बीच में, उसने गाना शुरू किया, द होली गोस्ट पावर इज मूविंग लाइक अ मैग्नेट, और जैसी बोला वैसी लाइट आ गई. कैन वी सिंग दैट कोरस? होली गोस्ट पावर इज मूविंग जस्ट लाइक अ मैग्नेट, लाइक अ मैग्नेट, द होली गोस्ट पावर इज मूविंग जस्ट लाइक अ मैग्नेट, लाइक अ मैग्नेट. It's moving here, it's moving there, it's moving just about everywhere. It's moving here, it's moving there, it's moving just about everywhere. The Holy Ghost power is moving just like a magnet, like a magnet. The message of the hour is moving just like a magnet. Oh, hallelujah! Like a magnet. It's moving here, it's moving there. It's moving just about everywhere. It's moving here, it's moving there. It's moving just about everywhere. The message of the hour is moving just like a magnet, like a magnet. The Holy Ghost power is moving just like a magnet, like a magnet. It's moving here, it's moving there. It's moving just about everywhere. It's moving here. It's moving, yeah. It's moving just about everything.
moving just like a magnet, it's moving here, it's moving there, it's moving just like a magnet, it's moving there, it's moving just about every, the message of the hour is moving just like a magnet. Like a magnet, it's moving here, it's moving there, it's moving just about everywhere. It's moving here, it's moving there, it's moving just about everywhere. The Holy Ghost power is moving like a magnet, like a magnet. The Holy Ghost power is moving just like a magnet, like a magnet. It's moving here. It's moving just about everywhere. It's moving here. It's moving. Glory, Lord. The message of the hour is moving just like a magnet, like a magnet. The message of the hour is moving just like a magnet, like a magnet, like a magnet. Hallelujah. Amen. Holy Ghost power is moving just like a magnet. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति में कितने से कितना बुरा गुनहगार आ जाए, अ वाइलेस्ट ऑफ सिनर अगर आ भी आ जाए, कॉन्फ्रेंस में आ जाए उस खुदा के साथ, मैं आपको बताना चाहता हूं जो आप कल करके आए उसको भूल जाएं। हो सकता है कल आप एक हीरो की तरह घूम रहे हो, अपनी फोटो खिंचवा के अपने टीवी पे स्टेटस पर डाल रहे हो, लेकिन आज आपके लिए मौका है कुछ बात, इसलिए मैं कह रहा हूं इस बात को। अगर अंदर का सांप मर जाए ना, तो ये सब चीजें रहेंगी नहीं। मेरा हृदय अंदर से चल रहा था, खुदावंद आपने बेदारी दी इस कलीसिया को, लेकिन फिर भी मैं कुछ जवानों को ठंडा पाता हूं। मैं पाता हूं कुछ जवान इन चीजों में हीरोपंती में और इन चीजों में पास नहीं आ रहे। खुदावंद के पास आज आ जाएं, उस कॉन्फ्रेंस को ले ले मेरे भाई, अपनी वाव को रिन्यू करें सैमसन की तरह। नजर वक्त बहुत कम है, यहां से जाने का समय आ चुका है। आई रियली मीन बिजनेस टुनाइट। जब मैं यहां पर आया हूं, मैं बताना चाहता हूं समय बहुत ज्यादा रहा नहीं। आप देख सकते हैं कैसे अमेरिका में मार्केट टूट रहा है, सिलिकॉन वैली टूट रही है, वो बैंक्स तमाम टूट चुके हैं, समाज तमाम वायदे जो प्रॉमिस थे, जो बातें बोली गई यहां से, उनमें से एक भी नहीं गिर रही, वो सब की सब पूरी हो रही है। जगह ब जगह आप पा रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, पैसे टूट रहे हैं, मंदी आ रही है, नए नए वायरसेस आ रहे हैं ब्रदर। और अगर भी आपकी आंखें ना खुले, अभी भी आप संसार की चकाचौंध में रहना चाहें, मेरे भाई एक कॉन्फ्रेंस में आ जाए इस रात्रि, खुदावंद आज मैं आपके भवन में आ गया, ये बहुत अच्छा हो गया, मैं यहां से एक चेंज इंसान बन के जाना चाहता हूं। मैं अंदर से चल रहा हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं अंदर से चल रहा हूं। भाई आशीष ने मुझे आज सुबह फोन किया, भाई कैसे हो? मैंने भैया बहुत आनंद आ रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नबी के टेप को लगाओ, याद रखियो समाज को, नबी के टेप लगाओ, रोज टेप लगाओ, समझ में आ रहा है सुनते रहो, एक दिन आपको उसमें से आवाज आएगी, मेरे बेटे मेरी बेटी ये तेरे लिए शब्द है, आमीन। ये वो वचन है जिससे तू बना है, ये तेरे लिए है, ये तेरे खास शब्द है। उठाएं 60 की सीरीज, उठाएं 61 की, उठाएं नबी के तमाम संदेशों को उठा के पढ़ें, कोई संदेश पुराना नहीं है। उठाएं 1959 के मैसेज खोले और आप देखिए, आपको याद है पिछले थर्सडे, पिछले ट्यूसडे भाई आशीष यहां पर आ रहे हैं दाई हाउस। मैं बता नहीं सकता क्या हो रहा था मेरे साथ, मैं तकलीफ में था, लेकिन तकलीफ के साथ आया तो था, लेकिन मैं वहां पे बैठ नहीं पा रहा था, मैं कूद रहा था, क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरी प्रार्थनाओं का जवाब खुदा उन पुलपिट से दे रहे हैं। मतलब जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप घुटने पे आते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, आप सोच के देखिए, आपके जवान बच्चे कॉलेज जाते हैं, आपकी जवान लड़कियां कॉलेज जाती हैं, कल जिस दोस्त के साथ वो जाके मुलाकात करेंगे, हो सकता है वो समलैंगिक हो सकता है वो गलत आत्मा रखता हो, और आपका बेटा उसके साथ जाके बैठा, उसको मालूम नहीं, कहीं वो उसको इन्फ्लुएंस ना कर दे कि
कितनी जरूरत है, आवश्यकता है पवित्र आत्मा की, पवित्र आत्मा की इस समय कितनी आवश्यकता उस होली गोस्ट की आपके और मेरे जीवन में। उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें, और कैसे भाई आशीष पढ़ रहे थे, मैं उसी चीज को पढ़ के आ रहा था, अय्यूब को, अय्यूब कह रहा पर एडवेंचर मेरे बच्चे, हाँ मुझे मालूम है घर में इकट्ठा हो रहे, वो वर्शिप भी करते हैं, लेकिन कहीं वो कुछ गलत ना कर दे। मेरा बेटा कॉलेज जा रहा है, मेरी बेटी स्कूल जा रही है, आजकल स्कूलों में ड्रग्स चल रहे हैं, आजकल स्कूलों में गंध चल रहा है, मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्या आप अपने घुटनों पे आते हैं अपने बच्चों के लिए, क्या आपके अंदर दर्द है अपने अजीजों के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा मेरी प्रार्थना को जवाब दे रहे थे, जब पवित्र आत्मा के काम करना शुरू करता है घुटने जमीन पर लग जाते हैं, सर जमीन पर लग जाते हैं, मन करता नहीं वहां से उठने का। फिर से कहूंगा जैसे भाई आशीष कहते हैं, टेप चलाओ घर में, टेप चलाओ, बच्चे टेप सुने, कोई चूक ना जाए टेपों से। ये अंतिम समय मेरे भाई, ये आखिरी समय, टेपों को सुन लो। भाई जॉन मसीह यहां बैठे हैं खड़े में, भाई मैसेज पढ़ते हैं, मुझे कोर्स भेजते हैं, एग्जैक्टली जो पढ़ रहे हैं उनके साथ घट रहा होता है। आमीन ब्रदर, ऐसा ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं ब्रदर, जब आप प्रेस में घुसेंगे तब वो आपसे बातचीत करना शुरू होगा। शुरू में मन नहीं करेगा, यार अभी थके हुआ हूं मैं, सोने का मन कर रहा है, लेकिन उस समय को टेप लगाऊंगा मैं। सुबह सुबह उठ करके पहला काम व्हाट्सएप ना देखे, सुबह उठते साथ पहला काम करें टेप लगाए, कानों में लगाए उन पर उन शब्दों को, खुदा के शब्द आपके कान में जाए जब आप उठ रहे हो, खुदा के शब्द आपके कान में जाए जब आप लेट रहे हो। मैं बताना चाहता हूं जब आप उस एटमॉस्फेयर में रहेंगे, इब्राहिम से कहा वॉक दाउ बिफोर मी बी दाउ परफेक्ट, इब्राहिम से कहा डोंट यू लाइक टू वॉक विद मी, ये वॉक आपका मिल्य है क्या, इन संदेशों को सुनना, ये है वो टॉक, ये है वो वॉक जो खुदावंद आपसे करना चाहते हैं। दूर ना भागे इन वायदों से मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद ने ये मौका दिया आपको, एवरी प्रॉमिस इन द बुक इज माइन, गाए नहीं जैसे नबी कह रहे हैं कि पेंटिकॉस्टल की तरह मत गाइए, लेकिन उन वायदों को जानिए आपके लिए वायदे कौन कौन से हैं। He never failed me yet. क्या आप हाथ उठा के कह सकते हैं He never failed me yet. Jesus blood never failed me yet. जब जब मैंने उस नाम को पुकारा खुदावंद ने मेरी प्रार्थना को सुना है, उसका जवाब दिया। हम अच्छे नहीं है ब्रदर, वो अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, और ये बात कोई तस्वीर नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह है। Amen, hallelujah. Amen. और जब आप इनकी सेवा करते हैं आप इमेजेस इनके बन जाते हैं। प्रभु के नाम की तारीफ हो, द होली गोस्ट पावर इज मूविंग लाइक अ मैग्नेट, लाइक अ मैग्नेट। आज भी कुछ अपने बच्चों को जो कि उनसे घसे से हुए हैं, वो चाहते कि वो बोल्ट खुल जाए ताकि मैं घूम रहा हूं उनको कैच कर लूं। अगर आपके पास संसारिक बोल्ट हो खोल दे ब्रदर, आज अपने आप को आजाद कर दे, प्रभु मैं आ गया हूं, मैं चाहता हूं वो पवित्र आत्मा मुझे चिपका ले अपने से, ये किताब मेरे सीने से लग जाए, यीशु से कहा ये किताब तेरे चित से कभी हटने ना पाए। आमीन। सोते बैठते उठते बैठते अपने तेरे हाथों के बंधनों पे बांध लो, अपने अलंगों पे लगा लो, चलते समय कोर्स दिख रहे हैं, सोते समय कोर्स दिख रहे हैं, आमीन, ख्वाब देख रहे कोर्स दिख रहे हैं, काम पे जा रहे कोर्स दिख रहे हैं, कान में कोर्स लगे हुए हैं। आमीन। खुदा उनके नाम की तारीफ हो। एक काम को करने के 100 बहाने होते हैं, ना करने के 100 बहाने होते हैं ब्रदर। जब आप फायदा फैसला ले लेते हैं, प्रभु अब मैं छोड़ूंगा नहीं टेप्स को, खुदावंद भी आपके लिए मार्ग बनाना शुरू कर देते हैं। ले बेटे और खा, मैंने तेरे लिए ही बदन तोड़ा है, ये वचन मैंने तेरे लिए तोड़ा। बेटे मेरी बेटी अपने प्रॉमिसेस को ले ले, अपनी न्यू बॉडी ले ले। हे मैन, ये वादा तेरे लिए। आय अजीज बहन, आय अजीज भाई, ये वादा आपके लिए। आज इस वादे के साथ आप यहां बैठे, खुदावंद आएंगे इस डेस्क के पीछे, आपसे मुझसे बातचीत करेंगे। हे मैन, प्रभु का नाम मुबारक हो। मैं एक समय नहीं लेना चाहूंगा, मैं चाहूंगा हम लोग उस कोरस को गाएंगे, ओनली दिल्ली ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। हे मैन, हालेलुया। Are possible.
possible, my Lord, I believe. My Jesus is He. Aziz, my Donald. My Jesus is He. And all things are possible. My Jesus is He. My Jesus is He. Hallelujah. Jesus. My Jesus is here. My Jesus is here. And the bride will sing, Lord, I receive. My Lord, I receive. And all things are possible. आंखों को बंद रखेंगे। आप में से कितने लोग तैयार हैं आज कुछ रिसीव करने के लिए? आमेन। वी आर वेटिंग ऑन आवर लॉर्ड बिकॉज ही इज हियर। इस गीत को हमने गाया, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, things are possible tonight, right here. All things are possible. Jesus is here. When Jesus is here, all things are possible. Thank you, Lord. प्रभु आपका नाम मुबारक हो। लॉर्ड, छोटे बच्चे की नाई आपके सामने आते हैं, ये जानते हुए हम कुछ नहीं प्रभु, जो भी कुछ है वो आप हैं। हम में से कोई भी अच्छा नहीं, बट आप भले हैं प्रभु। हम फाइनाइट हैं, आप इनफाइनाइट हैं लॉर्ड। हम सीमित हैं, आप असीमित हैं। आप अनंत हैं प्रभु। ओ प्रभु, क्या ही महान वो पल था लॉर्ड, क्या ही महान वो पल था लॉर्ड, वो समय था जब आपने आके मेरे हृदय को छुआ। ओ हालेलुया। मैं पौलुस भाई की तरह कह सकता हूं, I was not disobedient to that heavenly vision. Oh, hallelujah, Lord. धन्यवाद हो उस अनुग्रह के लिए, उस चोटी के पत्थर के लिए, उस पिरामिड के लिए लॉर्ड, जो अनुग्रह अनुग्रह पुकारते हुए आया और मेरी आंखों ने उसे देख लिया। मैं
कहने पाया मैं सुनता था लेकिन मैं अब देखता हूं। ओ प्रभु कितनी धन्य है हमारी आंखें, कितने धन्य हमारे कान, कितने धन्य हमारे हृदय प्रभु कि हम आपको सुनने पाते हैं, हम आपके वचन को पूरा होते हुए देखने पाते हैं, हम वचन को शरीर में लॉर्ड देखने पाते हैं लॉर्ड। तो बड़ा ही धन्यवाद हो प्रभु, सच में आपका नाम मुबारक हो, सारा आदर महिमा प्रशंसा बड़ाई स्तुति आदर आपको मिले प्रभु, क्योंकि आप ही इसी के योग्य हैं। आप हमारे सेंट्रल थीम हैं, आप वो प्रिंसिपल थीम है हमारी लाइफ के लॉर्ड, बाकी सब बकवास है लॉर्ड। इनसेन दुनिया है, इनसेन माइंड है प्रभु, एक कालिक फूट गई है, माइंड्स ब्लैकेंड हो गए हैं लॉर्ड। ये दुनियावी पृथ्वी ऊंट कटारे के अलावा और कुछ उगा नहीं रही प्रभु, ये भूल गई उन फलों के बारे में जो खुदा ने इसमें रखे थे। लेकिन प्रभु आज आपका धन्यवाद हो, आज शाम जब हम यहां इकट्ठा हैं तो ये प्रभु किसी इंसान का संदेश नहीं जिसको हम पढ़ते सुनते हैं देखते हैं, लेकिन ये संदेश तो स्वर्ग से आया है। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरे, वो ललकार हुई, वो प्रधान दूत का शब्द हुआ और वो खुदा की तुरही करी गई, वो फूंक दी गई। मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु, ये सब कुछ हमारे युग में हुआ और आज हम अनजान नहीं खड़े, लेकिन हम जानते हैं अपने दिन को और अपने संदेश को। प्रभु आपका नाम मुबारक हो, इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं लॉर्ड, इसमें हमारी कोई धार्मिकता नहीं, क्योंकि हमारे काम फटे मेले चितड़ों के समान हैं, फिल्दी रैग्स हैं प्रभु, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। लेकिन ये तो आपकी धार्मिकता है जिसको हम सीख करते हैं लॉर्ड। आदम और हवा थक गए प्रभु सिलते सिलते, लेकिन वो अपने लिए कपड़े बना नहीं पाए, वो अपनी अकल से अपने लिए धार्मिकता बुन नहीं पाए प्रभु, लेकिन धन्यवाद हो कि शाम के समय ओ वो प्रेम आपको खींच के लाया, वो अनुग्रह आपको खींच के लाया, वो दया आपको खींच के लाई, वो प्रीडेस्टिनेशन आपको खींच के लाया। मेरे प्रभु आपने एक मेमना मारा, आपने लहू बहाया और उन खालों को लेके आप उतर आए, क्योंकि आप जानते थे ये बेबस हैं, ये खुद नहीं कर पाएंगे। ओ प्रभु आज इसी रूप से मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे बहन भाई खड़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप कल आज और युगान युग एक से खुदावंद हैं। जो काम आपने तब किया वही काम आप आज भी कर सकते हैं और करते हैं प्रभु। इसलिए प्रभु जब हम यहां इकट्ठा हैं, होने पाए प्रभु कि एक ऐसा कंफर्मेशन लॉर्ड, ऐसा पवित्र आत्मा का वो बपतिस्मा, ओ लॉर्ड वो ऐसे ही फीलिंग हमें मिलने पाए कि जब हम यहां से वापस जाएं तो हम कह सकें मैं वो नहीं हूं जो उस दरवाजे से घुसा था। ओ हालेलुया, काश प्रभु ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी याचना है प्रभु, ये दिल से प्रभु हमारी चाहत है, हम वो नहीं रहना चाहते जो हम हैं प्रभु। एंड आई नो लॉर्ड दैट यू आर गॉड ऑफ पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आप एक अगली कैटरपिलर को लेके एक सुंदर तितली बनाना जानते हैं, आप उस प्रोसेस के मास्टर हैं। हालेलुया, चाहे कैटरपिलर कितना भी गंदा क्यों ना हो, काइट कितना घिनौना क्यों ना हो, लेकिन आपने उसमें क्रिया रखी है। हालेलुया, आपने एक लॉ रखा है प्रभु,
और प्रभु वही लॉ आपने मनुष्य में भी रखा है। समसुन फंस गया, अ डिसीव्ड चर्च बाय द वर्ल्ड खड़ा है डिसीव होकर, बदनाम शुदा होकर, खुदा के नाम पर शर्म लाकर खड़ा है। लेकिन इस बीच में आपने उसकी बॉडी में ही कुछ लॉ को रखा, उसने एक इंच कुछ भी नहीं किया, एक भी बाल को उगाने के लिए, लेकिन वो बाल अपने आप आ गए। हालेलुया! एक राइट समय पर प्रभु, ओ तो धन्यवाद हो, आपका नाम मुबारक हो। मेरा विश्वास है प्रभु, जबकि आपके वचन में कहा गया है प्रभु कि हम सब तो नहीं मरेंगे बल्कि परन हम सब बदल जाएंगे, पलक झपकते ही यह होगा। प्रभु आज मेरे पास वो विश्वास नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं वो विश्वास इन संदेशों में है लॉर्ड। और हम प्रभु पद पर पद चलते जा रहे हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं, हम सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं, और फाइनली प्रभु वो एक समय बहुत नजदीक है जब हम वहां पहुंच जाएंगे लॉर्ड। यस वी विल मेक इट लॉर्ड, बाय योर ग्रेस वी विल मेक इट लॉर्ड। का बड़ा ही धन्यवाद हो। मेरे सब भाई बहनों को बड़ी आशीष दे जिन्होंने समय निकाला और आपकी उपस्थिति में आए हैं। प्रभु आपका धन्यवाद हो। अपने पास्टर भैया के लिए को बड़ी आशीष दे, बहुत स्ट्रेंथन करें लॉर्ड, माइटली इस्तेमाल करें प्रभु। ओ प्रभु होने पाए वो भेद जो आपने हमारे लिए गुप्त रखे हैं, आप उनके द्वारा हमसे बोल दें लॉर्ड, रहम करें लॉर्ड। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता हूं अपने प्यारे अंकल टाइटस के लिए। ओ प्रभु आप रहम करें उस सोल्जर पे जिनके द्वारा हम आज भी सीखते हैं प्रभु। ओ प्रभु आप उनको रिकवरी दें। आपने कहा आई विल रेस्टोर, ये आपके वचन है, ये दस है द लॉर्ड है, ये टल नहीं सकता। मेरे भाई को आप उठा के खड़ा करें। ओ प्रभु यदि यहां पर कोई जरूरतमंद है, अगर कोई बीमार है लॉर्ड, या दिल में किसी के लिए प्रार्थना लेके आया है प्रभु, या किसी प्रॉब्लम में फंसा है, मैं नहीं जानता लॉर्ड, लेकिन आप यहां मौजूद हैं, आप दिलों को जानते हैं, कौन इस टाइम क्या सोच रहा है आप जानते हैं, आप उन जरूरतों को पूरा करें लॉर्ड। आप रहम कीजिए प्रभु, आप वो महान सोते हैं, वो महान समुंदर है। मैं वो मछली नहीं बनना चाहता जो ये सोचती है कि मैं थोड़ा पीती हूं आज, आज तो छोटी सी मीटिंग है, आज थोड़ा पी लेती हूं कहीं पानी खत्म ना हो जाए। लेकिन हमारे प्यारे भाई ब्रैनम ने बताया शी डजंट रियलाइज कि ये समुंदर एंडलेस है, एंड इट शोज द ग्रेस ऑफ गॉड जिसको हम कभी भी एग्जॉस्ट नहीं कर सकते प्रभु, हम खत्म नहीं कर सकते। दे आर न्यू एवरी मॉर्निंग। हालेलुया! जितना पिए कम है, जितना खाए कम है प्रभु, का बड़ा ही धन्यवाद हो। आप ही आइए लॉर्ड, आपका बड़ा ही नाम मुबारक कहते हुए छोटी सी प्रार्थना मिलती अपने महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो कबूल कीजिए। आमेन और आमेन। हालेलुया! प्रभु का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन। आइए हम लोग अपने बाइबलों में निकालेंगे पहला राजा उसका 17वां अध्याय। पढ़ाना तो मुझे थोड़ा बड़ा स्क्रिप्चर है, बट अभी मैं चाहूंगा भाई मेरी मदद करें हिंदी में पढ़ने के लिए, समय बचाने के लिए। 17वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत से भैया पढ़िएगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा,
यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा, उसी नाले का पानी तो पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। यहोवा का ये वचन मानकर वह यर्दन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। इसका मतलब खुदावन को चिंता है मेरी और आपकी। खुदावन इन चीजों के बारे में सोचते हैं। खुदावन के पास इतना टाइम है कि वो इंडिविजुअली हम में से हर एक के लिए सोचें कि नाउ इसकी ये जरूरत है, ये आज भूखा आया है, आज इसकी ये वाली जरूरत है। अगर मैं और आप आज खुदावन से सच में पीने आए हैं और खाने आए हैं तो विश्वास रखिए वो खुदावन मोर देन एबल हैं उस भूख को शांत करने के लिए और उस प्यास को शांत करने के लिए। खुदावन ने एलिया के लिए इंतजाम किया, हो सकता है वो उसके अकॉर्डिंगली ना हो जो उसने सोचा हो, मे बी वो ओयो रूम ना हो, हमें वो बिजलरी की पानी ना हो, वो कोई होटल ना हो, लेकिन इट वॉज गॉड्स प्रोवाइडेड वे। और खुदावन के जन की ये खासियत है, जब खुदावन अपना तरीका उसे दिखाते हैं he will never question, उसके दिमाग में कभी सवाल नहीं आएंगे, क्योंकि वो श्योर है ये खुदा की आवाज है। एलिया बैठ के उसमें अपने फायदे नहीं देखेगा, क्या मेरा इसमें फायदा है या नहीं, उसे ये पता है आवाज ने कहा है एंड इट हैज टू बी डन, दैट्स इट। आमेन। क्या हुआ था कोलोराडो माउंटेन पे? क्या हुआ था भाई ब्रैनम के साथ? तूफान आ रहा है, मौत आ रही है, लेकिन उस समय आवाज आई, वापस तूफान में जा। और भाई ब्रैनम ने बोला मैं ऑलमोस्ट बुजुर्ग हो गया हूं इस सेवकाई को करते करते, लेकिन मैं जवान भाइयों से कहना चाहूंगा और याद रखना जिंदगी में कभी भी उस आवाज का अनाज्ञाकारी मत होना, और जब भी वो आवाज आपको सुनाई दे उसके लिए ओबीडियंट होना। आमेन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आमेन। खुदावन को चिंता है सुबह क्या खाएगा, चिंता है शाम को क्या खाएगा, चिंता है हमारे खाने की, चिंता हमारे पीने की, चिंता हमारे हर एक चीज की चिंता खुदावंत को है। ओ हालेलुया। क्या आपके दिल में खुशी नहीं होती? आमेन। हम ऐसे प्रभु के पास हैं, हमने ऐसे खुदावंत को चुन, ऐसे खुदा ने हमें एक्सेप्ट कर लिया जिसको हमारी चिंता है। He cared for you. Do you care? सवाल ये है। Amen. Yes, brother, पढ़िए। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। जी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। Yes. चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। जी। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। एक मिनट, ध्यान से सुनिएगा। खुदावन फिर से, जैसे ही नाला सूखा, खुदा ने बोला नाउ अपनी लोकेशन चेंज कर दे, अब मैंने तेरा नेक्स्ट इंतजाम एक और जगह पर किया है, अब तुझे खाना वहां मिलेगा। आमेन। हालेलुया। यस ब्रदर। सोआ वहां से चल दिया और सारपत को गया। यस। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। यस। उसको बुलाकर उसने कहा, जी, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे खुदा यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। Yes. केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। Yes. और मैं तो एक लकड़ी बिनकर लिए जाती हूँ। Yes, sir. कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। ये ऐसी रोटी थी जिसे वो खा के मरने वाली थी। आमीन। लेकिन अभी तक उसे एक आइडिया नहीं है कि आज मेरे घर के सामने
ये जो शख्स आया है ये मुझे एक ऐसी रोटी देगा। याद करिए कुएं पे स्त्री को, मैं तुझे ऐसा जल दूंगा तू फिर कभी प्यासी नहीं होगी। ऐसा खाना जो कभी खत्म नहीं होगा। खुदा का धन्यवाद हो, कलीसिया कालों में वो खाना नहीं आया था, आमीन, लेकिन हमारे युग में वो खाना उतर के आया है। और एक से कहा ये ले, इस पुस्तक को ले ले और इसे खा जा, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, आमीन आमीन। खुदावन को चिंता है, आमीन। ये लोग आवाज कम सुन रहे हैं आजकल, खुदा को चिंता है, इसलिए ये आत्मिक रीति से दुबले हो रहे हैं, इसलिए इनको आत्मिक छींके लग जाती है हर थोड़े दिन बाद, वायरल इंफेक्शन लग जाता है क्योंकि खाना नहीं खा रहे। इसलिए खुदावन ने उसी एलिया की आत्मा को यहां उठाया जिसने कहा उस आवाज को अपने घरों में बजाओ, सुनो, यहां तक बोला सुनते हुए नींद आ जाए, सो जाओ फिर उठो फिर सुनो, खाते रहो, आमीन, हालेलुया। यस ब्रदर, एलिया ने उससे कहा मटर जाकर अपनी बात के अनुसार कर, यस, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले, एक काम कर, बाकी काम बाद में करना। क्या कह रहे थे भाई निश्चल, क्या कह रहे थे अभी? सुबह उठ के व्हाट्सएप मत देखना, सुबह उठ के ये मत सोचना मुझे क्या पहनना है, सुबह उठ के मत देखना मेरी टू डू लिस्ट क्या है, सुबह उठ के सबसे पहले उस आवाज को, ओ हालेलुया, सबसे पहली रोटी, यही तो कह रहा हूं, सबसे पहले मेरे लिए। ये कौन है? इलाइजा, आमीन, ये इलाइजा की आवाज है। ओ खुदा का धन्यवाद हो, मेरे लिए पहले कर। अच्छा, उसने बोला ठीक है, आगे, पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, यस, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, फिर उसके बाद अपने लिए बनाना, आगे, क्योंकि इज़राइल का खुदा यहोवा यूं कहता है जी कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा, यस, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। दूसरे शब्दों में तू और तेरा बेटा नहीं मरेंगे। हालेलुया, वो तो खा के मरने वाली थी, लेकिन मैं तेरे लिए एक स्पेशल खाना लाया हूं, आमीन, एक स्पेशल भोजन जो कि मैं अपने थैले में डाल के नहीं लाया। हेलो, मैं कैरावैन नहीं लाया, मैंने ब्लिंकिट से नहीं मंगवाया, आजकल की लैंग्वेज में बोल रहा हूं, लेकिन ये वो भोजन है जो सुपर नेचुरल भोजन है, जहां कुछ नहीं वहां हो जाता है। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, आमीन। ब्रदर मैं चाहूंगा थोड़ा सा स्किप करेंगे और हम आ जाएंगे इसके 19वें अध्याय में, और हम जानते हैं यहां पर क्या सीन है, कैसे एलिया इजाबेल से डर के भाग रहा है। यू नो दीज आर सिचुएशंस, ये खाना मिल कब कब रहा है, बड़ी खास सिचुएशंस हैं, एक फेमाइन के टाइम पे, हेलो, एक आर्थिक मंदी के टाइम पर, हेलो, ये ऐसे समय पर खुदावन कुछ लोगों के खाने के बारे में सोच रहे हैं। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, जब पास्टर भैया यहां से चिल्लाते हैं मत सोचो अपने लिए इतना, क्योंकि कोई है जो तुम्हारे लिए सोच रहा है। खुदा ने मूसा से क्या कहा, लेट मी डू द थिंकिंग, मुझे सोचने का मुझे करने दे भाई, तू भी टेंशन मत ले, एक काम कर, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और वही तेरे लिए एक सीधा मार्ग निकालेगा।
क्या स्त्री के लिए सीधा मार्ग निकला? Amen. Now, यहां पर एलिया है, वो भाग रहा है Amen? इजाबेल के डर से, और वो एक जगह पे पहुंच गया है जो कि एक जंगल है। मैं स्किप कर रहा हूं, मैं चाहूंगा यह चौथी आयत से पढ़िएगा। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाव के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, कहीं ये मेरी मौत तो नहीं है। हेलो, वो मृत्यु मांग रहा है, कहीं मेरी मौत तो नहीं है। आगे, बस अब मेरा प्राण ले ले yes. क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। जी आगे, वह झाव के पेड़ तले लेटकर सो गया। हाँ जी, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, यहाँ पर कुछ हो रहा है। हेलो, यहाँ तीन खाने हैं एलिया के। पहला एक चिड़िया ने दिया, हेलो, उसके बाद एक स्त्री ने दिया, लेकिन ये तीसरा थोड़ा फर्क है। ये दूत आ रहे हैं खाना लेकर। नबी ने कहा, फर्स्ट देयर वर स्मॉलर बर्ड्स फ्रॉम द इटर्निटी, देन देयर वर बिगर बर्ड्स, हेलो, देन देयर वर एंजल्स, और पलक झपकते ही फ्यू फ्यू, and he was standing in the middle of these seven angels and they picked me up. Oh, ye Elia ke sath kya ho raha hai? Hamare Elia ke sath kya hua? Kya dooton ne jo ye badal banaya, jo chehra andar hai, kya usne kuch khane ko diya? Oh, hallelujah. बोला जा और इसे जेफरसन विल में प्रचार कर दे। ओ खुदावन का धन्यवाद हो, गॉड ब्लेस यू। सॉरी आप लोग को खड़ा रखने के लिए, लेकिन मैं बहुत इंस्पायर्ड हूं Amen. इन वचनों को लेके और भी काफी सारे स्क्रिप्चर हैं, बट आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे हस्बैंड, आप हमारी कमजोरियों को जानते हैं, आप जानते हैं हम कहां गिरते हैं, कितनी बार गिरते हैं। और खूबसूरती प्रभु ये है, आप जानते हैं कि मैं इन्हें कैसे उठाऊंगा, आप जानते हैं कि मैं इन्हें कैसे रिवाइव करूंगा। कौन सा भोजन, कौन सा विटामिन, हालेलुया, कौन सी डाइट इनको आज शाम चाहिए, आप जानते हैं प्रभु। आप जानते हैं हम किस चीज में डेफिशिएंट हो रहे हैं, कौन सी चीज की कमती हो रही है। लॉर्ड आप सब कुछ जानते हैं, आप प्रोवाइड करें, क्रिएट कर दें प्रभु, जहां नहीं है वहां क्रिएट कर दें प्रभु। यू आर अ क्रिएटर, ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आप ही को प्रभु हम देखते हैं, बहुत ही एक्सपेक्टेशंस में है लॉर्ड। आज शाम हमसे बातचीत करें, हमें कुछ दे दें प्रभु। आज हम आज खाली हाथ नहीं लौटना चाहते हैं, और प्रभु ये तो हमारी गवाही है, हम कभी भी खाली हाथ नहीं लौटे हैं, और आज भी हमारा विश्वास है हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। ओ आपका धन्यवाद हो, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, आप लोग बैठ सकते हैं। आमीन, थैंक यू जीसस। क्या खुदा के वचन को पढ़कर शांति नहीं मिलती? आमीन, खुदा के वचन को पढ़कर हमारे अंदर एक ऐसी उत्तेजना पैदा होती है, जहां पर असंभव दिखता है सडनली वहां पर कुछ संभवताएं दिखने लगती हैं, लगता है नाउ दिस इज पॉसिबल। आमीन, खुदावन का धन्यवाद हो।
ये स्क्रिप्चर जो मैंने आपके सामने पढ़वाया, स्क्रिप्चर्स तो कुछ और भी हैं जो मैंने पढ़वाने हैं, प्रभु रहम करे। एक छोटा सा सब्जेक्ट जो प्रभु ने मुझे आज नहीं बल्कि काफी टाइम पहले दिया था, मेरे कई भाई लोग जो मेरे साथ जाते हैं उन्होंने इसको सुना भी है, और इस सब्जेक्ट को जो प्रभु ने दिया, ये सब्जेक्ट है अ ट्रांसफर इन द टाइम ऑफ थर्ड पुल। एक ट्रांसफर का होना, अब हिंदी में ट्रांसफर को क्या बोलेंगे, स्थानांतर होना एक खास समय पर जो कि तीसरा खिंचाव का समय है। आमेन, गॉड ब्लेस यू। एक और स्क्रिप्चर पढ़ेंगे और हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 20वां अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक उसका 20वां अध्याय। और मैं चाहूंगा भाई उसकी 11वीं आयत से जल्दी से पढ़ना शुरू करें। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा। हम सब जानते हैं ये किस समय की बात है। आमेन, ये वो टाइम है जब यीशु मसीह जी उठेंगे। आमेन, ही इज ऑलरेडी रिजन अप। आमेन, ये वो सीजन चल रहा है रिजरेक्शन का, और यहां पर मरियम है जो आकर खड़ी है और इंतजार कर रही है। आमेन, वो दो दूतों को देखती है और वो पूछती है कि तुमने उस बॉडी को कहां रखा है। आगे पढ़िए ब्रदर। उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है जी? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। वो मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है जी। यस, यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा पर ना पहचाना कि यह यीशु है। लेकिन ना पहचाना कि यह यीशु है। आमेन, उन्हीं की प्रेजेंस में खड़ी है। हेलो मरियम, जिसको मिलने आई है उन्हीं की प्रेजेंस में खड़ी है और उन्हीं को नहीं पहचान रही। कई बार ऐसी होता है, हम चर्च आते हैं, हम प्रभु से मिलने जा रहे हैं, प्रभु यहां से बात कर रहे हैं, प्रभु यहां से बोल रहे हैं, खुदावन अपने वचन को एक्सपाउंड कर रहे हैं, खोल रहे हैं ताकि आप उन चीजों को देख पाए, खुदावन पर्सनलाइज हो रहे हैं। लेकिन कई बार हमारी इंद्रियां, हमारे विचार इतने वीक हैं कि हम उन चीजों को पकड़ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते कि ये कौन है जो मुझसे बात कर रहा है। आमेन, इसी से तो मिलने में आई थी, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हेलो, कि ये चल फिर रहा होगा। मैंने तो एक्सपेक्ट किया था एक डेड बॉडी कहीं पर पड़ी होगी, लेकिन मरियम शायद ये नहीं जानती थी कि एक युग बदल गया है, एक मौसम बदल गया, एक समय बदल गया। ये समय सिर्फ बोलने का भविष्यवाणी नहीं था, वो बोली जा चुकी थी, लेकिन ये समय था ताकि वो भविष्यवाणियां अब पूरी हों। एक समय है जब भविष्यवाणियां बोली जाती हैं, एक समय है जब भविष्यवाणियां पूरी होती हैं, और धन्य वो है जो पहचान जाए, देख ले कि भविष्यवाणी पूरी हो रही है। ओह, आज ये लेख, यही तो बोला यीशु मसीह ने, बाइबल में लिखा है उन्हीं के गांव के लोग पहचान नहीं पाए। ये बड़ी प्रॉब्लम है, लोग देह से ठोकर खाते हैं, पहचान नहीं पाए कि ये वही है जिसके बारे में शरीयत में कहा गया था। जिस मूसा पे हम दम भरते हैं वो मूसा किसी की ओर इशारा कर रहा था कि खुदा मेरे समान एक नबी को तुम्हारे बीच में भेजेगा, और जब वो उनके बीच में खड़ा है
वो पहचान नहीं पा रहे हैं। आमेन। एग्जैक्टली सेम मरियम यहां पर आई है यीशु मसीह से मिलने, इनफैक्ट उस बॉडी से मिलने, लेकिन उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। बड़ी सिंपल बात है, इतना गहरा मत सोचिए आप लोग, कई लोग बहुत ध्यान से, गॉड ब्लेस यू, खुदावन बड़ी आशीष दे आपको। लेकिन उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यीशु मसीह मुझे चलते फिरते मिलेंगे। और तो और, सिर्फ चलते फिरते नहीं, आगे कुछ हुआ। पढ़िए भैया, यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा। हाँ? पर न पहचाना कि ये यीशु है। हाँ जी, यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? सब चल रही है बातचीत, मैसेज शुरू हो गया, हेलो मैसेज, लेकिन अभी भी नहीं पहचाना, अभी भी सोच रहा है ये तो वो है ना, माली है, कोई होगा ये। आगे, तो क्यों रोती है? हाँ जी, किसको ढूंढती है? हाँ, उसने माली समझकर उससे कहा, यस, हे महाराज यदि तूने उसे उठा लिया है, हाँ जी, तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है। कहाँ रखा है उसे? मुझे उस जगह पर पहुंचना है, मुझे उससे मिलना है। एक चीज तो है मरियम के अंदर, कि उसके अंदर एक एक्सपेक्टेशन है, एक डिजायर है, आमेन, कि मुझे उससे मिलना है। आपने जहां भी रखा है मुझे बता दीजिए, बस मैं वहां पहुंच जाऊंगी, आमेन। आगे पढ़िए, और मैं उसे ले जाऊंगी, और मैं ले जाऊंगी। आगे, यीशु ने उससे कहा, मरियम, और यीशु ने उससे कहा, मरियम। ओहो, ये बॉडी सिर्फ चल ही नहीं रही, ये तो नाम भी ले रही है। हालेलुया, क्योंकि सेव काई बदल चुकी थी। हेलो, अब ये पहला खिंचाव और दूसरा खिंचाव नहीं है, ये हीलिंग रबाई नहीं है। हालेलुया, सेव काई बदल चुकी है, अब ये रिजरेक्टेड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है। ये वो वचन है जो जी उठा है, ये तीसरा खिंचाव है। ओ हालेलुया, नबी ने बोला थर्ड पुल इज नॉट अ पब्लिक शो, इसलिए यीशु मसीह दोबारा से कैंपेन नहीं करने गए। हेलो, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करने नहीं गए व्हेन ही गॉट रिजरेक्टेड, ध्यान से सुनिएगा, बट ही वेंट टू हिज ओन, वो अपनों के पास गए। आमेन। कुछ दो जा रहे हैं इमाउस की राह पे, यीशु मसीह उनके साथ हो लिए। कुछ दस कमरे में बैठे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु को सीख कर रहे हैं, खुदावन वहां पहुंच गए। अभी आगे हम पढ़ेंगे, एक जगह पे कुछ इकट्ठे थे, वहां थोमा नहीं था, यीशु मसीह वहां पहुंच गए, लेकिन यीशु मसीह के मन में थोमा भी था, तो फिर एक बारी और एक जगह पे पहुंचे जहां पर थोमा भी था, और उसको बोला, भैया विश्वासी नहीं, हाथ डाल के देख ले बेटा। हेलो, ये हमारे खुदावन का कैरेक्टर है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, मिनिस्ट्री आप बदल रही है। ये एक जंक्शन के ऊपर मरियम और यीशु मसीह की मुलाकात हो रही है, ये एक जंक्शन है, क्योंकि इसके बाद मेरे भाई और बहनों एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। क्या? एक रिजरेक्शन और एक रैप्चर। हालेलुया, तो ये मुलाकात कब की है? रैप्चर से पहले की, जिसमें एक नाम लिया जा रहा है। आमेन। हालेलुया, यस ब्रदर, आगे पढ़िए। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, वो पहचान गई, वो कह रही है रब्बूनी, अरे ये तो गुरु है। ओ हालेलुया, क्या खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा मरियम का, अरे मैं तो बॉडी देखने आई थी, मैं तो एक मरी ठंडी देह देखने आई थी, लेकिन वो जी उठा है। हालेलुया, आमेन।
उन्होंने उसे पूरा कर दिया। आमेन, हालेलुया। बैठिए प्लीज। यस ब्रदर। अर्थात हे गुरु जी, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे जी कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। जी, ये जो वक्फा जो चल रहा है ना, ये उन तीन दिनों के बीच का वक्फा है। हेलो, वो तीन दिन दोबारा आ रहे हैं हमारे बीच में। आमेन, मैं आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहा हूँ। आमेन। यस ब्रदर। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया जी, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। हाँ जी, आगे। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था जी, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, डर के मारे बंद करके बैठे हैं, आगे, तब यीशु आया और यीशु मसीह आ गए अरण के बीच में, खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तो रास्ते में कोई यहूदी नहीं मिला आपको? फरीसी है? जब आप आ रहे थे तो रास्ते में कोई मिला नहीं? उन्होंने बोला, ये मेरी फरक मिनिस्ट्री है, ये सिर्फ मेरे चुने वो के लिए है। आमेन। ये सिर्फ रेनबो ट्राउट के लिए है। हालेलुया। ओ खुदा का धन्यवाद हो। अब मेरा फोकस चेंज है, मैं जानता हूं मुझे कहां जाना है, किससे बात करनी है। ओ खुदा का धन्यवाद हो। यस सर। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। यस। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यस। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जी। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। आमीन। आगे। यह कहकर उसने उन पर फूका। यस। उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। एक मिनट, इस तीसरे खिंचाव के समय में, तीसरे खिंचाव के डिस्पेंसेशन में यीशु मसीह काम कर रहे हैं जो उनके अंदर है। ओ हालेलुया, वो कुछ को दे रहे हैं। ओ ग्लोरी। खुदा ने जब उत्पत्ति में आदम को बनाया तो खुदा ने मैने क्विन नहीं बनाया था। हेलो, मैने क्विन, मैं बताता हूं आपको, आप कपड़े की दुकान पे गए होंगे, वो देखा है एक पुतला खड़ा रहता कपड़े पहन के, कुछ बोलता है वो नहीं, सिर्फ कपड़े पहने क्योंकि कपड़ा दिखाना है, तो वो पुतला है बस, जिसमें कोई जान नहीं है। क्या खुदा ने बागेदन में आदम को पुतला बनाया था? खुदा ने आदम के अंदर सांस फूका। वो सांस किसके अंदर था? हेलो, वो सांस खुदा के अंदर था। खुदा ने वो सांस को ट्रांसफर किया आदम के अंदर, और जब उसके अंदर वो सांस गया, बाइबल कहती है वो जीवता प्राणी बन गया। अब उस मट्टी के लौंदे में जान आ गई, अब वो बोल सकता है, वो हिल सकता है, वो सेब के पेड़ से कह सकता है, वो जानवरों के नाम रख सकता है। वो हमारे खुदावन बहुत प्रसन्न होते हैं जब खुदावन अपने जीवन को अपने बच्चे के अंदर देखते हैं। एक बात बोल सकता हूं, इंसान के साथ उल्टा है, चुप हो गए सब, इंसान के साथ उल्टा है। इसने कैसे ले ली मीटिंग, ये क्यों ऐसी बातें कर रहा है, अरे ये कैसे पढ़ रहा है इस कोर्ट में से, ये इंसान है। हेलो,
ये गिरावट को दिखा रहा है आपके अंदर जो ये सोच रहा है। लेकिन खुदावन जब किसी को प्रेम करते हैं और अडॉप्ट करते हैं तो बाइबल में लिखा है ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें रहने से मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूं, नहीं जिसमें रहने से मैं प्रसन्न हूं। ये फर्क है खुदा में और इंसान में। खुदावन जब बैठ के देख रहे हैं आदम को, खुदावन दिल में खुश हो रहे हैं कि मेरा बेटा है। आज इसने नदी को फाड़ दिया, ओ आज इसने सेब के पेड़ को नीचे झुका दिया, आज इसने इस पहाड़ को उठाया और इसने इस पहाड़ को उधर पहुंचा दिया। खुदा खुश हो रहे, खुदा जल नहीं रहे, ओ हो इसने तो पहाड़ भी हटा दिया आज, इसने बोला और ये भी हो गया। कौन सा दिन था वो जो मैंने इसको बनाया? क्या खुदावन ऐसा कर रहे हैं भैया? इसलिए बाइबल में लिखा है तुम्हारे विचार मेरे विचार से बहुत नीचे हैं, मेरे विचार, खुदा कह रहे हैं, आर हायर देन योर थॉट्स। इंसान हमेशा सोचता है लिमिटेड, खुदावन सोचते हैं बियॉन्ड, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। मेरा और आपका दिमाग नहीं जा सकता। 40 क्या 80 दिन का फास्ट रख लो और सील्स पढ़ लो 150 बार और सोचो मैं प्रचारक बन जाऊं, अब तो मैं कुछ कर ही दूंगा। भैया सबसे बेस्ट जो एलिया ने किया, जो मूसा ने किया, मूसा से बोला जूते उतार दो, सबसे पहले खुदावन ने जूते उतार दिए, उन्हें खुदावन बोली है सबसे बेस्ट चीज। खुदा ने बोला ना मोसेस तू तैयार है, अब मेटल तैयार हो चुका है मास्टर के यूज के लिए। एलिया से बोला जा नाले के बाहर, जी प्रभु। इसलिए पौलुस कह रहे हैं प्रकाशन की बहुतायत के कारण कहीं मेरा मन फूल ना जाए। जब मीटिंग में बैठे हो तो फूले हुए मत बैठो। तो खुदावन ने कांटा चुभो रखा है अपने चुनावों के अंदर, उनको हलीम करने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए। आमेन। भैया बाइबल में से बोल रहा हूं मैं, अपनी बात तो नहीं बोल रहा मैं। गॉड ब्लेस यू। खास चीज का ध्यान रखिए, खुदावन आज रहम करें। एक स्थानांतर है एक ऐसे समय में जो कि तीसरे खिंचाव का डिस्पेंसेशन है, जो कि समय है तीसरे खिंचाव का। एक टाइम था जब खुदावन ने भाई ब्रैनम को साइन इन द हैंड दिया। हेलो, वो हाथ रख के पता लगा लेते थे कि कौन सी बीमारी है। पहला खिंचाव, दूसरा खिंचाव, खुदा ने बोला तू मन की बातों को जान लेगा और भविष्यवाणियां, भाई ब्रैनम ने बताया। फिर एक समय आया, एक तैयारी हुई, तब भाई ब्रैनम कह रहे हैं माय न्यू मिनिस्ट्री। हेलो, द प्रेजेंट स्टेज ऑफ माय मिनिस्ट्री। वो पहचान रहे थे कुछ हो रहा है, कुछ बदल रहा है। हेलो, तंबू का दर्शन, ये सारी चीजें। अमेरिका ने वचन को, खुदा को रिजेक्ट कर दिया, इन्वेजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन एक समय आ रहा है, एक और चरण, एक और हिस्सा सेवकाई का। लेकिन उस हिस्से में बहुत सारी चीजें हैं, उस तीसरे खिंचाव में बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपके सामने सिर्फ एक चीज आज शाम को लेके आना चाहता हूं मेरे भाई बहन, खुदावन रहम करें, और वो ये है एक स्थानांतर होना,
दूसरे खिंचाव के डिस्पेंसेशन में के समय में। आमेन। आइए हम लोग वापस चलेंगे पहला राजा और उसका 17वां अध्याय। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब मैं चाहूंगा भाई इसकी पहली आयत से, तिशबे एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था उसने अहाब से कहा, यस, इज़राइल का खुदा यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ जी, उसके जीवन की शपथ, यस, इन वर्षों में मेरे बिना कहे जी हाँ, तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। एक मिनट, ये कौन सा समय है इज़राइल में? थोड़ा सा पीछे चलिए। एक ऐसा समय आ गया जब इज़राइल ने राजा मांग लिया। हेलो, इसराइल की हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो हम देखेंगे इसराइल ने राजा मांग लिया और शमूएल से कहा हमें भी राजा चाहिए। शमूएल दुखित हुआ, खुदा ने बोला शमूएल तू क्यों रो रहा है, इन्होंने तुझे नहीं मुझे रिजेक्ट किया है। नबी ने प्रचार किया रिजेक्टेड किंग। वो समय हुआ जब खुदा ने अपनी परमिसिव विल में होते हुए खुदा ने इसराइल को राजा भी दे दिया। साउल से शुरुआत हुई राजाओं की, अब इज़राइल में राजा होने लगे। चलते 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 एक समय ऐसा आया जो कि सुलेमान का समय था। हेलो, दाऊद ने मंदिर बनाना चाहा, खुदा ने बोला तू मंदिर नहीं बनाने पाएगा, लेकिन सारा मटेरियल, पूरा मैप, पूरा प्लान दाऊद ने तैयार करा हुआ था हैंडओवर करने के लिए सुलेमान को। खुदा ने बोला सुलेमान तेरा बेटा मंदिर बनाएगा और सुलेमान ने मंदिर को बनाया, लेकिन अपने जिंदगी के अंतिम समय में वो भाग गया, बैकस्लाइड हो गया। लेकिन उससे पहले उसका एक नौकर था जिसका नाम जेरोबोआम था। आमीन। खुदा ने अपने नबी को भेज के जेरोबोआम से बुलवा दिया कि खुदा ने ये राज्य सुलेमान से ले लिया है और इसके 10 गोत्र जेरोबोआम उन पर तू राज्य करेगा और बाकी के 2 गोत्र जूडा एंड बेंजामिन उनके ऊपर रेहोबियाम जो कि सुलेमान का पुत्र है वो राज करेगा। हेलो, आप ही की बाइबल है, हमारी बाइबल है। ये वो टाइम आया आगे चल के कि अब राजा भी 2 हो गए। देख रहे हैं आप, एक समय था जब खुदावंद आदम के साथ फेलोशिप करते थे मुंह दर मुंह, वहां कोई भविष्यद्वक्ता नहीं था क्योंकि आदम खुद एक भविष्यद्वक्ता था। आमेन। आदम खुद एक राजा था, आदम खुद एक याजक था और खुदावन शाम के समय आके मुंह दर मुंह, ये खुदा की परफेक्ट विल थी। लेकिन गुनाह आने के कारण हमने देखा क्या हुआ। फाइनली पहाड़ पर हमने सुना पास्टर भैया के थ्रू, मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जब खुदावन उतरे लोगों ने कहा हम भी कुछ करना चाहते हैं भाई, खुदावन अनुग्रह लेके उतर रहे लेकिन लोग कह रहे हम भी कुछ करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा भारी शब्द है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, यहां से तो हमारे सर के ऊपर से जा रही है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। खुदा ने बोला मूसा अब तू ही इनसे बात कर। अब खुदा ने तब से बोला कि मैं भविष्यद्वक्ता से तुमसे बात करूंगा हमेशा, तब से भविष्यद्वक्ता होने लगे। आगे चलकर लोगों ने राजा मांग लिया, पहले खुदा और खुदा के लोग, खुदा और आदम और हवा, ये फैमिली अफेयर था, लेकिन अब खुदावन, खुदावन के नबी और खुदा के लोग, अब खुदा नबी राजा और खुदा के लोग। और अभी तो ये हो गया इज़राइल के साथ, इज़राइल की बात कर रहा हूं, खुदावन नबी 2 राजा, तब इसराइली। ये वो समय है
ये वो समय है जिसका हमने अभी 17वां अध्याय में बड़े आराम से पहली आयत पढ़ दी, लेकिन ये समय कौन सा है? ये वो समय है जब इज़राइल एक धोखा खाई हुई कंडीशन में, एक डिसीव चर्च के रूप में पड़ा हुआ है, एक डिवाइडेड नेशन हुआ हुआ है। ये वो समय है जब इज़ाबेल लैंड में है, ये वो समय है जब अहाब जो कि एक कॉम्प्रोमाइजर है, जो कि एक हाफ वे बिलीवर है, वो राज्य कर रहा है इज़राइल के ऊपर। ये वो समय है और ये इज़राइल को मूर्ति पूजा में ले जा रहे हैं, ये वो समय है। खुदा के मंदिरों को ये पीछे हटा रहे हैं, हेलो, और अपनी मूर्तियों को और अपने मंदिरों को बना रहे हैं। यह है कंडीशन इज़राइल की इस समय। यह वो समय है जब रिलीजन और पॉलिटिक्स मिल गया है, धर्म और राजनीति मिल चुकी है। यह वो समय है जब चर्च और स्टेट यूनियन में आ रहा है, एक शादी में। ओह, ये वो समय है जब चर्च एक बैकस्लिडन कंडीशन में पड़ा है। वो रिवाइवल जो खुदा ने इस इज़राइल को दिया था, जब इनके सामने कोई भी दुश्मन नहीं टिक पाता था, चाहे लाल समुंदर क्यों ना आए, चाहे चट्टान क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी सेना पीछे मारने क्यों ना आ रही हो, हेलो, चाहे कितने बड़े दानव उसका नाम देश के क्यों ना हो, कोई नहीं टिक पाया भैया। एक वो समय था, लेकिन आज जिस कंडीशन को हम आज पढ़ रहे हैं, ये वो समय है जब इज़राइल एक बैकस्लिडन कंडीशन में है, एक डिवाइडेड नेशन है। और लीडर कौन है? आग, एक मिक्सर, एक कॉम्प्रोमाइजर। ओ गॉड, नबी ने बोला एब्सोल्यूट के मैसेज में 30 दिसंबर 1962, नबी ने बोला ये वो समय है जब इज़ाबेल व्हाइट हाउस में बैठ गई है। ओ हालेलुया, ये कौन सा समय है? ये व्हाइट हाउस कौन सा है? हेलो, और उसने और स्त्रियों को प्रभावित कर लिया है अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा, और यहां तक कि अहाब ने भी अपने आप को सरेंडर कर दिया इज़ाबेल की ताकत के सामने। यही तो हुआ था नाबोत के केस में। हो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? गॉड ब्लेस यू। इस सब गड़बड़ी के बीच में, इस सब केओस के बीच में खुदावन एक जंगली आदमी को उठाते हैं। हालेलुया, ओ खुदा का धन्यवाद हो, जिसका नाम एलिया है, जो कि खुदा के द्वारा ऑर्डेन्ड है, खुदा के द्वारा कमीशन है। ओ गॉड, हालेलुया, ओ प्रभु का धन्यवाद हो सच में। और उस कमीशन को और उस वचन को लेके जो खुदा ने उसको दिया, एक जजमेंट का वचन जो लेके अब एलिया जा रहा है आया आपके सामने, नाव शुरू होती है पहली आयत। ये है बैकग्राउंड। यस ब्रदर, इज़राइल का खुदा यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, हाँ, उसके जीवन की शपथ। किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? इज़राइल के खुदा को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अहाब के
के सामने जो कि इज़राइल का राजा है, जिसे पता होना चाहिए था कि ये कौन है। ओह माय, जिसे पता होना चाहिए था कि ये यीशु का नबी है। ओह माय गॉड, जिसे पता होना चाहिए था कि इसे खुदा ने चुना है। लेकिन आप कह रहे हैं कौन आ गया? तब एलिया उसे समझा रहा है, मैं उस खुदा की जो कि इज़राइल का खुदा है उसकी उपस्थिति से आ रहा हूं। है एक बैकस्लाइडर के सामने, एक विशीवॉशी वाले हाफ वे बिलीवर के सामने एलिया इंट्रोड्यूस कर रहा है खुदा को और उसे बता रहा है कि मैं उसकी उपस्थिति में रहता हूं। उसकी उपस्थिति में एलिया कह रहा है मैं उसकी उपस्थिति में रहता हूं और मैं एक वचन लेके आया हूं। अगर आहाब जानता होता इज़राइल के खुदा को, सबसे पहली चीज वो इज़ाबेल से कभी शादी नहीं करता। ये फॉल्स यूनियन इज़राइल में कभी नहीं होता। हेलो, हां अन्य जाति कई स्त्रियां पुराने नामे में इज़राइल में रोपी गई, लेकिन इज़ाबेल का इंडक्शन नबी ने बताया, मैसेज में पढ़िएगा, वो खुदा की ओर से नहीं था क्योंकि वो इब्राहिम की बेटी नहीं थी, नबी ने बोला। लेकिन ऐसे ही रूथ थी, वो भी अन्य जाति थी, लेकिन उसका इंडक्शन आत्मिक रूप से हुआ। आमीन, आप लोग सब जानते हैं। ओहो, अगर वो खुदा को जानता होता वो कभी भी इज़ाबेल से शादी नहीं करता, कभी भी षड्यंत्र ना रचता, इज़ाबेल के साथ मिलकर और नाबोत को मरवाता। ये प्रूफ है कि वो जानता ही नहीं कि इज़राइल का खुदा है कौन और कहां बैठे राज गद्दी पर। भैया, खुदा ने हमें राजा और याजक होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। भैया चर्च नहीं आ रहे, भैया ऑनलाइन सुन लेते हैं। मैं कई लोगों से मुलाकात हुई पिछले दिनों में, हाँ भैया ऑनलाइन बिल्कुल हम पक्का एकदम सुन रहे हैं। उन्हें भैया अपनी बारी में तो आ जाओ, इतने महीनों में एक बार बारी आती है तो कईयों के पास इतना भी टाइम नहीं कि वो अपनी बारी में भी यहां पर आ पाए। ये मेरी गवाही है, आप लोग की भी यही होगी। हम जो आ पाते हैं कुछ लोग प्रभु की दया से रेगुलरली, मैं आपको सच बताऊं हमें वो भी कम लगता है हमें वो भी कम लगता है, ऐसा लगता है शायद मीटिंग्स और होनी चाहिए। इतना खाओ कि फाइनली ये देह ही बदल जाए। आमीन, हालेलुया। कुछ लोगों को हंसते हुए मैं देख रहा हूं, गॉड ब्लेस यू, इसका मतलब आप भी सेम फ्रीक्वेंसी पर हैं। हालेलुया। नाउ यस ब्रदर, पहली आयत जल्दी चलेंगे आगे। इज़राइल का खुदा यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, हाँ जी, उसके जीवन की शपथ, जी, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। तो ये एक न्याय का वचन एलिया नबी लेकर आया। क्या हमारे युग में हमारे नबी को जो कि एलिया की आत्मा में आए, क्या उन्होंने सात दर्शन नहीं देखे? हेलो, क्या लास्ट में उन्होंने आखिरी दर्शन में अमेरिका को जलते हुए नहीं देखा? और क्या ओपनली प्रचार नहीं किया? ये कौन सा समय है जब इज़ाबेल व्हाइट हाउस में आ गई, कैबिनेट में घुस गई? हेलो,
लोग बैंकों को फेल होता हुआ देख रहे हैं, लोग उन चीजों को देख रहे हैं, दुल्हन कुछ और देख रही है, वो इसको देखने के बाद देख रही है नाउ अगला अब क्या होने वाला है। आमेन, हालेलुया, यस ब्रदर, पढ़िए आगे जल्दी। यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। हां जी, उसी नाले का पानी तो पिया कर। हाँ जी। और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। यस। यहोवा का ये वचन मानकर वह यर्दन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। हाँ जी। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। हाँ जी। और वह नाले का पानी पिया करता था। बहुत ही बढ़िया मिनिस्ट्री चल रही है। हेलो, बहुत बढ़िया मिनिस्ट्री, पानी खूब है, है? खाना खूब है, हर एक चीज आराम से बढ़िया चल रही है, लेकिन फाइनली एक टाइम आया कि नाला सूख गया। और जब नाला सूख गया, मैं देख पा रहा हूं अमेरिका ने मैसेज को रिजेक्ट कर दिया। और जैसे ही ये हुआ, खुदा की आवाज आ गई। क्या आवाज आई भैया? आठवीं आयत पढ़िए। तभी यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। अब उठ और सारपत को जा। अगर आपने इसराइल का मैप देखा हो तो करीत नाम नाला वो पूरब में था। उसके पास एक आज्ञा आई कि अब उठ और पश्चिम को जा। सारेफत एक तटीय शहर था, एक कोस्टल सिटी थी। एलिया के पास संदेश आ रहा है, वेस्ट जा, तेरी सेवकाई बदलने वाली है। ओ हालेलुया। 1961 प्रकाशित वाक्य की किताब आ गई। हेलो, 70 वीक्स ऑफ डैनियल आ गए। यहां पर जूनियर जैक्सन भाई ने पहला ख्वाब भी देख लिया। हालेलुया। अब वो सारे ख्वाब पाइल अप होना शुरू हो रहे हैं और हर एक ख्वाब एक ही तरफ दर्शा रहा है, पश्चिम की ओर। हालेलुया। कुछ बदलाव है, कुछ हो रहा है। आमेन, यस ब्रदर। चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं। सारपत वो जगह है जो कि एक वर्कशॉप है, जहां पर मेटल्स धातु तैयार किए जाते हैं, उन्हें पिघलाया जाता है, उन्हें शेप करा जाता है। ओ हो, उनको तैयार करा जाता है इस्तेमाल होने के लिए। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। यस ब्रदर। चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। हां जी, वहां पर एक विधवा है जो तुझे खिलाएगी। इंग्लिश में लिखा है, आई हैव कमांडेड अ विडो वुमन। वो घर के बाहर लकड़ी बटोर रही है, वो तैयारी कर रही है मरने की, और खुदावन यहां पर कह रहे हैं मैंने उसे कमीशन दे दी है। हेलो, वो नहीं जानती कि उसे खुदा ने कमांड किया है इस एलिया को सस्टेन करने के लिए। मिरेकल सब चाहते हैं, ये हो जाए वो हो जाए, ये सब चाहते हैं, लेकिन एलिया को कौन खिलाएगा? बात तो ये है, इसलिए यहां से अब आपको समझ में आएगा यहां से आवाज क्यों चिल्ला रही है प्रभु की बार बार। टेप को सुन लो, टेप्स को सुन लो, टेप्स को सुन लो।
इसलिए चिल्ला रही है। आमेन। यस ब्रदर, पढ़िए आगे। सो वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। एक विधवा लकड़ी बिन रही है। आगे। उसको बुलाकर उसने कहा, हाँ जी, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। हाँ जी। जब वह लेने जा रही थी, हाँ, तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। पानी लेने जा ही रही थी कि उस बीच में एक और आके आ गई। अभी पानी लेने के लिए बोला था, वो पानी लेने निकली, उसने बोला एक मिनट जरा कुछ खाने के लिए भी ले आई हूं। आगे भैया। उसने कहा, तेरे खुदा यहोवा के जीवन की शपथ, yes, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। हाँ जी। केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। yes। और मैं तो एक लकड़ी बिनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं। क्या लिखा भैया हिंदी में? मैं एक दो एक लकड़ी बिनकर लिए जाती हूँ। दो एक ना, अभी दो मुझे नहीं पता, बट इंग्लिश में बहुत क्लियर है, आई एम गैदरिंग टू स्टिक्स। और नबी ने बोला ये टू स्टिक्स क्रॉस ही। हालेलुया। बिल्कुल राइट चीज कर रही थी वो। आमेन। और वो उस क्रॉस को लेके वहीं पहुंच रही थी वो, और वो बस तैयार कर रही थी भोजन ताकि उस पे रखा जाए और वो उसके बाद हम मर जाएं। आगे 13वीं आयत। एलिया ने उससे कहा, यस, मत डर, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। हाँ जी। परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। हाँ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। पहले मेरे लिए लेकर आ जा। क्या हुआ उस शुनमिन औरत के साथ जिसका बेटा मर गया था एलिशा के जमाने में, और वो एलिशा के पास पहाड़ पर पहुंची, उसने गेहजी को भिजवा के पूछ बोला कि पूछ क्या, क्या सब कुशल है? उसने बोला ऑल इज वेल, सब कुशल है। लेकिन जब वो अंदर आई मिलने के लिए, तब उसने बताया कि ये हुआ है। तब एलिशा ने बोला गेहजी जाओ मेरी ये लाठी लेके चले जाओ। तब भाई ब्रैनम कह रहे हैं कि उसका विश्वास उस लाठी पर नहीं था, इसलिए लाठी से कुछ नहीं हो पाया, लेकिन वो विश्वास करती थी ये जो जन है। हालेलुया। वो जानती थी कि जब ये चलेगा ओ तो 100% काम होगा, क्योंकि जब उसने अपने घर में एक कमरा बनाया था, हेलो, एलिशा के रुकने के लिए, उसने लकड़ी के लिए कमरा नहीं बनाया था, उसने वो बिस्तर लकड़ी के लिए नहीं बनाया था, लेकिन उसने एलिशा के लिए वो कमरा बनाया था। और नबी ने बोला वो नहीं जानती थी कि वही कमरा वही बिस्तर आगे चल के इस्तेमाल होगा एक रिजरेक्शन के लिए। ओ हालेलुया। आमेन। यस ब्रदर। क्योंकि इज़राइल का खुदा यहोवा यूं कहता है, जी, कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा। हम जानते हैं कि आगे चल के बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं कट शॉर्ट कर रहा हूं कि यहां पर एक माउंट कार्मल शोडाउन हुआ जहां पर एलिया ने बाल के 400 नबियों को चैलेंज किया। आमेन। क्या हमारे युग में हमारे एलिया ने कुछ 350-400 के बीच में कुछ मिनिस्टर्स थे उनको चैलेंज किया? आमेन। जब उन्होंने हमारे एलिया के लिए एक ट्रैप बनाया कि जब ये आएगा तो हम इसे फंसा लेंगे, ये सवाल पूछेंगे, तुम यहां यहां बैठना, हेलो, लेकिन कुछ और हो गया। श्रीमानों क्या उस समय में मैसेज में नबी ने बताया कि कैसे भाई ब्रैनम को खुदा ने बताया तेरे लिए ट्रैप बना रहे हैं, और भाई ब्रैनम ये तक बता दिया कि जिस कमरे को तुमने बुक किया है ना
उसका ये रंग है ही नहीं, उस कमरे का उस कलर ग्रीन नहीं है, ब्राउन है। तुम उस कमरे में बैठोगे, ये सब कुछ खुदा ने पहले से दिखा दिया। एक जना नहीं आया उठ के पूछने के लिए। हेलो, आप ये पैरेलल देख पा रहे हैं? क्या ये इस युग की बात है? आमेन, गॉड ब्लेस यू। आगे चलते जाएंगे क्योंकि मैं सिर्फ 1965 तक नहीं रुकूंगा, खुदावन रहम करे अभी आगे आएंगे। आमेन, हम आ जाएंगे पहला राजा उसका 19वां अध्याय। यस ब्रदर, और उसकी पहली आयत से जल्दी से पढ़ना शुरू करेंगे। अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए। हाँ जी। कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। हाँ जी। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा। यस। यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, जी, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हाँ जी, आगे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। हाँ। और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। जी। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाव के पेड़ के तले बैठ गया। हाँ जी। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी। यस। हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले। यस। क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। यस। सो वह झाव के पेड़ तले लेटकर सो गया। हाँ। और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा। हाँ। उठ और खा। यस। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। आमेन। तब उसने खाया और पिया। Yes. फिर लेट गया। आमेन। आगे। दूसरी बार यहोवा का दूत आया। Yes. और उसे छूकर कहा, उठ और खा। Yes. क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। उठ और खा क्योंकि तुझे एक बहुत लंबी यात्रा करनी है। ध्यान से सुनिएगा, मेरा टॉपिक था रादर है एक स्थानांतर होना तीसरे खिंचाव के समय में। जब पहला खिंचाव हुआ उसने खाना खाया कौओं के द्वारा। हेलो। जब दूसरा खिंचाव हुआ स्त्री ने उसके लिए खाने को प्रिपेयर किया। लेकिन जब तीसरा खिंचाव हुआ, हेलो, एक टाइप में क्योंकि ये दूत है, नबी ने बोला दोज एंजल्स, ये है थर्ड पुल। और जब तीसरा खिंचाव हुआ, नाउ इस तीसरे खिंचाव के समय में अब क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। यस ब्रदर, अब हम पढ़ेंगे इसकी 8वीं आयत से। ब्रदर, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते खुदा के पर्वत होरेब को पहुंचा। क्या उसको ताकत मिली? आमेन। इस खास खाने के बाद उसको एक ताकत मिली। आमेन। आगे। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका। जी। और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। हाँ जी। हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? यस। उसने उत्तर दिया, सेनाओं के खुदा यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है। हाँ जी। क्योंकि इसराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी। यस। तेरी वेदियों को गिरा दिया। यस। और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है। चर्च एंड इट्स कंडीशन, खुदावंद को एलिया बता रहे हैं, प्रभु ये हाल हो गया तेरी कौम का। जिस जगह पे वर्शिप होती थी आज उस जगह पे रील्स बनती हैं, हैं? उस जगह पे मैं क्या क्या बोलूं, आप सब जानते हैं, बुरा हाल है। सब जगह आइडोलेट्री शुरू हो चुकी है। आगे भैया। और मैं ही अकेला रह गया हूं। जी। और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। और वो मेरे प्राणों के भी खोजी। आगे। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा। अब हम जानते हैं यहां पर क्या हुआ। यहां पर एलिया ने खुदा को एक धीमी आवाज में मुलाकात करी। उसने उस धीमी आवाज को खुदा की सुना। आमीन। मैं स्किप करूंगा और मैं आऊंगा इसकी भैया 14वीं आयत से पढ़िए। उसने कहा,
मुझसे मुझे सेनाओं के खुदा यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, हाँ जी, क्योंकि इसराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, हाँ जी, और तेरी वेदियों को गिरा दिया है, हाँ जी, और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, हाँ जी, आगे, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, हाँ, और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं, हाँ जी, आगे, यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा, हाँ, और वहाँ पहुँच कर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का, हाँ, और इज़राइल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का, हाँ, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल मोहला के शापात के पुत्र एलिशा का अभिषेक करना। इस थर्ड पुल के टाइम पर एक है जिसको तू अपने स्थान पर, हेलो, जब स्वर दूत का खाना खा लिया एलिशा के लिए कमीशन दे रहे हैं कि एक स्थानांतर होगा। ओ हालेलुया, एक प्रोग्रेशन, एक कंटिन्यूएशन, अपने स्थान पर। हजाएल का राजा होने के लिए, येहू का ये होने के लिए, लेकिन अपनी जगह पर। ये किस समय पे हो रहा है? जब दूत आ चुके हैं, जब दूतों का खाना खा चुके हैं, ये उस डिस्पेंसेशन में हो रहा है जो कि तीसरे खिंचाव का है, जहां पर धीमी आवाज है, जहां अर्थक्वेक में और इन चीजों में खुदा नहीं दिख रहा, लेकिन उस स्मॉल स्टिल स्मॉल वॉइस में जो कि पब्लिक शो नहीं है, हालेलुया, वहां पर खुदावंत दिख रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि नाउ अब तू जा। इस तीसरे खिंचाव के डिस्पेंसेशन में, इस टाइम में जाकर तू अपनी जगह पर एलिशा का अभिषेक कर, एक ट्रांसफर को। क्या खुदावंत का ये नियम है? क्या हुआ मूसा के साथ? हेलो, एक समय था जब मूसा लीड कर रहा था इसराइल को, लेकिन एक टाइम आया जब खुदा ने वही आत्मा को लिया और अब जोशुआ में डाल दिया, उसका अभिषेक किया। मैं नहीं जानता कितने लोग समझ रहे हैं, लेकिन आप सब समझोगे अभी, मुझे पता है। खुदावन रहम करें। तीसरे खिंचाव के समय पर एक स्थानांतर, एक हैंडिंग ओवर, आमीन, एक दिया जाना, एक सौंपना। हेलो, यूहन्ना 20 पढ़वाया आपके सामने, तीसरे खिंचाव की सेवकाई, लेकिन वहां पर एक काम हो रहा है, यीशु मसीह फूंक रहे हैं, लो आत्मा को ले लो, सामर्थ को ले लो। वो फूंक रहे हैं जो उनके अंदर है, वो उन चेलों को दे रहे हैं। आमीन, 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 गॉड ब्लेस यू। अब मैं आ रहा हूं अपने संदेश पे। गॉड ब्लेस यू, आपने बड़े धीरज के साथ सुना। पेड़ों के काम उसका तीसरा अध्याय, ये है मेरा मैसेज आज। आमीन, जरूरी था उस बैकग्राउंड को लेना, और मैं चाहूंगा कि मेरे प्यारे भाई निशांत इसको पहली आयत से पढ़ना शुरू करें। पत्रस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, जी, और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे। ये कौन सा समय है? ये कौन सा समय है? प्रार्थना का समय है, और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है ये नाइन्थ आवर है। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ये नाइन्थ आवर है, और नाइन्थ आवर शाम को दोपहर में 3 से 4 के बीच में होता है, जो कि शाम की कुर्बानी है। एक कोट पढ़ सकता हूं आपके सामने, अगर आप इजाजत दे तो। गॉड ब्लेस यू। क्राइस्ट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉड रिवील्ड।
खुदा मसीह का भेद, मसीह खुदा का भेद प्रकट। Amen. Not knowing, of course, ये नहीं जानते हुए बेशक, of course, being spiritual, आत्मिक होने के नाते, आत्मिक सेंस में नबी कह रहे हैं, you watch spiritual things, आप आत्मिक चीजों को देखें, not knowing this, ये न जानते हुए, God knows it, खुदा इसे जानते हैं, but if you return and look at the clock, लेकिन अगर आप मुड़ के घड़ी की ओर देखें, it's on the dot. ये बिल्कुल सटीक। It's 2 o'clock. ये अभी 2 बजे हैं। It's the end of the second poll. ये दूसरे खिंचाव का अंत है। Third poll is at hand. तीसरा खिंचाव बिल्कुल समीप है। Oh, एक प्रार्थना का समय, एक शाम का समय। Oh, hallelujah. Oh, glory. Thank you, Lord. बैठिए बैठिए बैठिए, अभी शुरू हुआ है मैसेज। God bless you. Yes, brother. जब पतरस और यहुन्ना मंदिर को गए, वो आर ऑफ प्रेयर, इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, वो प्रार्थना का समय था। God bless you, जो मेरे भाई बहन इन समयों पे प्रार्थना करते हैं, खुदावन उनको बड़ी आशीष दे। लेकिन यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा जो आपको हेल्प करेगी। आप प्रार्थना तो कर रहे हैं उस समय पर, लेकिन क्या आपको रेवलेशन है कि उस समय पर हुआ क्या क्या था बाइबल में? मैं 9 बजे जा रहा हूं प्रार्थना करने, 9 बजे बाइबल में क्या हुआ था? मैं 12 बजे की दुआ कर रहा हूं, 12 बजे बाइबल में क्या हुआ था? क्या वो प्रकाशन है? 3 बजे बाइबल में क्या हुआ था? ना जब आप उस प्रकाशन में जाएंगे, ना तब देखिएगा। ओ हालेलुया। ये वचन मुझे 9th आवर में मिला था। ये वचन मुझे 3 से 4 बजे का जो शाम का समय है उस समय खुदा ने दिया था। और जिसको मैं बता नहीं सकता उस समय क्या हो रहा था। ओ माय गॉड। At the hour of prayer, being the 9th hour, यही वो 9th hour था जब Cornelius प्रार्थना करने गया था। ओह, और उसको खुदा ने दर्शन दिखाया। कुछ तो है। और यहां नबी ने, हमने अभी कोट पढ़ा, 2 बज चुके हैं। हेलो, इट इज द एंड ऑफ द सेकेंड पोल, थर्ड पोल इज एट हैंड। तो ये पतरस और यूहन्ना किस समय पर मंदिर जा रहे हैं? सोइएगा मत, ये तीसरे खिंचाव का समय है। एलिया के जमाने में तीसरे खिंचाव के टाइम पर एक ट्रांसफर हुआ, एक स्नानांतर हुआ। यीशु मसीह ने जब तीसरे खिंचाव की मिनिस्ट्री शुरू करी, वहां एक स्थानांतर हुआ। यह तीसरे खिंचाव का समय है। क्या पढ़ना चाहेंगे? यहां क्या हुआ? पढ़िए ब्रदर। और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, हाँ जी, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। हेलो, यहाँ पर एक लंगड़ा है। कौन है ये लंगड़ा? है ये चल नहीं पा रहा, इसके पास वो वॉक नहीं है। ये आता है, ये मंदिर में आता है, लेकिन ये भारी स्थान में बैठा रहता है। ओ हालेलुया। ये सिर्फ झुरबुरी भुरबुरी में, इमोशंस में, ये उसमें ही होकर चले जाता है, इसलिए इसके जीवन में कुछ काम नहीं हो रहा। लेकिन आज होगा, आज होगा। हालेलुया। Amen. तो यहां पर कुछ आए हैं जिनका नाम पतरस और यहुन्ना है। ये वो है जो उस ऊपरी कोठरी में बैठे थे। हालेलुया।
ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस चक्कर आ रहे हैं। ओ इनसे अगर पूछो रिवाइवल कहां है तो पत्रस से उन्हें कहते हैं मैं हूं रिवाइवल। ओ ग्लोरी हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। बैठिए आमेन। आइए आज प्रेरितों के काम तीसरे अध्याय को थोड़ा फर्क पड़े। इसकी चाल खराब है। ये मंदिर के भारी स्थान में रह जाता है। ये कभी भी पवित्र स्थान और परम पवित्र तो छोड़ो ही, ये कभी अंदर पहुंच ही नहीं पा रहा क्योंकि इसके पास वॉक ही नहीं है। आगे भैया कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हाँ जी, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, खुदा ने सेटिंग ऐसी बिठाई कि टाइम, सही टाइम, सही लोग और सही जगह। खुदा ने ऐसा क्लिक किया वहां पे, मानो एक ऐसा पासवर्ड वहां पर सेट हुआ। हर एक ताला अपनी जगह पे बैठ के फाइनली उसने उस पासवर्ड को खोल दिया, उस चंगाई को जो वो जिंदगी भर चाह रहा था। मेरे भाई और बहनों, सिर्फ संदेश को संदेश की तरह ना सुने आज। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये तीसरे खिंचाव का समय चल रहा है, ये खत्म नहीं हुआ। गॉड ब्लेस यू। एक मिनट, यस ब्रदर आगे पढ़िए। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, हाँ जी, तो उनसे भीख मांगी। हाँ जी, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हाँ जी, हमारी ओर देख। हाँ, अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। यस, तब पतरस ने कहा, वो रिसीव करना चाह रहा था। हेलो, वो रिसीव करना चाह रहा था। आगे भैया, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है, जो मेरे पास है, हेलो, जो वो सिर्फ डिवाइन हीलिंग नहीं थी, ओ वो सिर्फ भैया दिव्य चंगाई नहीं थी, मुझे कुछ मिला है। मेरी मुलाकात हुई है किसी से, मुझे कुछ मिला है। ओ माय गॉड, हालेलुया। यस ब्रदर पढ़िए आगे। परंतु जो मेरे पास है, हाँ, वो तुझे देता हूं। एक मिनट, जो मेरे पास है वो तुझे, हालेलुया। एक स्थानांतर जो पतरस के अंदर है, अब वो इस लंगड़े के अंदर जा रहा है। आमेन। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। तीसरे खिंचाव के समय पर, नाइन्थ आवर में एक ट्रांसफर है, एक दिया जाना है, एक सौंपना है। ओ हालेलुया। आगे बढ़िए भैया। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल चल चल। और जब उसने चलना शुरू किया क्या हुआ, आगे बढ़ लो। फिर उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। यस, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। यस, उसके पांव और टखनों में बल आ गया, और क्या हुआ, वह उछलकर खड़ा हो गया। हाँ जी, और चलने लगा। हाँ, और चलता और कूदता और खुदा की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। मंदिर में, ओ हालेलुया। अब वो भारी स्थान पे नहीं है, अब वो परम पवित्र में जा सकता है। ओ हालेलुया, अब वो उस मन्ना को खा सकता है। अब वो खुदा की इलेक्शन को समझ सकता है, अब वो वर्शिप कर सकता है, उसकी वॉक सुधर गई है। मेरे भाई और बहनों, अगर आप में से कोई आज रात यहां पर है
चाहता है उस वॉक को करना जो सुपरनेचुरल को छूना चाहता है, उसको अपने लाइफ में रिसीव करना चाहता है। मेरे जवान भाई, जवान बहन, मेरे बुजुर्ग भाई, मेरे प्यारे भाई बहन, ये तीसरे खिंचाव का समय चल रहा है, ये तीसरे खिंचाव का समय चल रहा है। ओह हालेलुया, आमेन। वो उछलता कूदता मंदिर में चला गया, इतने सालों से नहीं जा पा रहा था, एक बैकस्लिडन के रूप में भारी बैठा रहता था, इसके पास एक्सेस नहीं था उस अनसीन का। ओ हालेलुया, ये उस पैरेलल डायमेंशन के बारे में नहीं जानता था। ओ हालेलुया, इसने वो संदेश पढ़ा ही नहीं था, लुकिंग अनटू द अनसीन, इसने वो संदेश नहीं पढ़ा सुपरनेचुरल। लेकिन नाउ जब इसको चंगाई मिली, कब? तीसरे खिंचाव के टाइम में। पतरस और यूहन्ना कह रहे, जो कुछ मेरे पास है वो तुझे देते हैं। भाई ब्रैनम ने बताया, उन्होंने चंगाई नहीं दी, हेलो, लेकिन जो विश्वास पतरस के पास था, जो रेवलेशन पतरस का था, इसका मतलब लंगड़ा रेवलेशन से भी ठीक हो सकता है। ये कौन सा लंगड़ा है? ये कौन सी चंगाई है? Oh my, God bless you। बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज। बस मैं खत्म कर रहा हूं, लेकिन कुछ तो बोलूंगा इससे पहले खत्म करूं। खुदावन रहम करें। ये तो हो गया प्रेरितों के काम, आमीन। क्या हमारे युग में कुछ तीसरे खिंचाव के इंस्टेंसेस हुए? क्या ये विंडो हमारे लिए खोला गया थोड़ा सा? आमीन। मैसेज का नाम है ही दैट इज इन यू, वो जो तुम में है, ये है संदेश का नाम, वो जो तुम में है। आमीन। 258 पैरा से मैं पढ़ रहा हूं, 258। तेईस अक्टूबर को भाई ब्रैनम के साथ कोलोराडो माउंटेन पे एक एक्सपीरियंस हुआ, आमीन। और हम सब जानते क्या हुआ, और नबी ने उसको बोला कि ये उनमें से एक इंस्टेंस है जिसमें थर्ड पुल टेम्परेरली आइडेंटिफाई करा गया। आमीन, आमीन, गॉड ब्लेस यू। जब भाई ब्रैनम इस इंस्टेंस के बारे में बता रहे हैं, 10 नवंबर 1963 को ही दैट इज इन यू में, तब भाई ब्रैनम कुछ बोल रहे हैं जब वो मैसेज को प्रचार कर चुके हैं, और वो ये बता रहे हैं कि ये इंस्टेंस जो आपके बीच में घटा, जिसकी गवाही मैं दे रहा हूं, ये थर्ड पुल इंस्टेंस है। Amen. ये तीसरे खिंचाव का इंस्टेंस है। वो बार बार इतना ज्यादा इच्छुक हो रहे हैं उस थर्ड पुल के इंस्टेंसेस को लेके। आमीन। अब जब वो एंड में आ रहे हैं इस मैसेज पे, तो ही सेइंग, ओ लॉर्ड गॉड, हे प्रभु खुदा, आई आस्क दी टू बी मर्सीफुल टू अस, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे ऊपर दयावान हो। ये प्रार्थना है किसकी? नबी। दोबारा बोलूंगा, ये प्रार्थना है नबी की, सातवें दूत की प्रार्थना में पढ़ रहा हूं। आमीन। I ask thee to be merciful to us। मैं आपसे मांगता हूं कि आप हमारे ऊपर दयावान हो। And may every man and woman, और काश हर एक स्त्री और पुरुष, that sitting present, जो यहां उपस्थित है, जो खुदा एलिया के खाने के बारे में सोच रहा था ना, वो आज जानते थे प्रभु कि कौन कौन कहां बैठेगा आज।
किसकी क्या जरूरत है। तो नबी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक आदमी और औरत जो यहां बैठे हैं प्रभु, जो यहां पर हैं, दैट हैज एनी काइंड ऑफ सिकनेस और अफ्लिक्शन, जिन्हें किसी प्रकार की बीमारी या परेशानी है, एंड एज मोसेस थ्रोड हिज सेल्फ इन द ब्रीच, और जैसे मूसा ने अपने आप को खाई में दे दिया, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, टुनाइट आई ले माय हार्ट आउट बिफोर यू लॉर्ड, आज रात मैं अपने हृदय को आपके सामने रखता हूं प्रभु, एंड विद ऑल द फेथ दैट आई हैव, और उस संपूर्ण विश्वास के साथ जो मेरे पास है, दैट्स इन यू लॉर्ड, जो आप में है प्रभु, दैट यू हैव गिवन मी, जो आपने मुझे दिया है, आई गिव टू देम, मैं उन्हें देता हूं। ओ हालेलुया, तीसरे खिंचाव के समय में कुछ दिया जा रहा है। दिल्ली की कलीसिया, बटोरना चाहो तो बटोर लेना। आज कोई प्रार्थना कर रहा है आज शाम आपके लिए, कोई कर चुका है प्रार्थना ऑलरेडी, वो आवाज आपसे दोबारा आज शाम रात को बोल रही है, आमेन। I give it to them, Lord. मैं उन्हें देता हूँ प्रभु। As Peter said, जैसे पत्रस ने कहा, At the gate called beautiful, उस सुंदर नाम फाटक पे, Such as I have, जैसा मेरे पास है, Give I thee, मैं तुझे देता हूँ, In the name of Jesus Christ of Nazareth, यीशु मसीह नासरी के नाम में, Rise up and walk, उठ और चल, And the man was lame, और वह आदमी लंगड़ा था, And weak for a few moments, और कुछ पलों के लिए कमजोर था, But while They held him. लेकिन जब उन्होंने उसे थामे रखा, His ankle bones received strength. उसके टखनों ने बल को प्राप्त किया, And he entered into the house of God. और वह खुदा के भवन में प्रवेश कर गया, Leaping and praising and blessing God. उछलता कूदता खुदा की तारीफ करता और खुदा को धन्य कहता हुआ, Thou art the same yesterday, today and forever. आप कल आज और युगानुयुग एक से हैं। Said, और उसके प्रेरित ने कहा, Such as I have, जैसा मेरे पास है, Give I thee, मैं तुझे देता हूँ, It was faith, ये विश्वास था, And I say, और मैं कहता हूँ, And I say, और मैं कहता हूँ, Give I to this audience, मैं इसे इस ऑडियंस को देता हूँ। विश्वास करते बिलीवर्स, नाउ दिस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट और नाजरेथ, यीशु मसीह नासरी के नाम में, रिनाउंस योर सिकनेस, अपने बीमारियों को मना कर दे, कॉज ग्रेटर इज ही, क्योंकि महान है वो, दैट इज इन यू, जो आप में है, देन द डेविल, उस शैतान के मुकाबले, दैट्स ट्राइंग टू टेक योर लाइफ, जीवन लेने की कोशिश कर रहा है, You are children of God, आप खुदा के बच्चे हैं, You are the redeemed, आप छुड़ाए हुए हैं, I command that Satan, मैं उस शैतान को आज्ञा देता हूँ, Leave this people, इन लोगों को छोड़ दे, May the God who rolled back that storm that the other day, काश वो खुदा जिसने बीते दिनों में उस तूफान को वापस लौटा दिया था, The God who made the winds and the waves to cease, वो खुदा जिसने हवाओं को और लहरों को थाम दिया था, May he see to it, काश वो इसे देखे, That every disease, ये हर एक बीमारी, is taken from these people, इन लोगों से हटा दी जाए, And the power of Christ, और मसीह की सामर्थ, is made manifest in their life, उनके जीवनों में अभी प्रकट हो, At this hour, इस घड़ी में, May every sinner repent, काश हर एक पापी पश्चाताप करे, person cause har ek shakhs that's not close to you lord jo prabhu aapke sameepta mein nahi hai get right at this hour kisi ghadi aapke sameep aa jaye let be so aur kaash aisa ho prabhu in the name of jesus christ yeshu masi ke naam mein oh
your brother. मैं आपका पास्टर, आपका भाई होने के नाते. With what faith I have. उस विश्वास के साथ जो मेरे पास है. I have asked God. मैंने खुदा से मांगा है. To place it on you. ताकि मैं इसे आपके ऊपर ट्रांसफर कर दूं. जब दरवाजे से बाहर जाना तो ये कहना, भाई ब्रैनम ने मेरे लिए दुआ करी है. ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड. आई हैव आस्क्ड गॉड टू प्लेस इट ऑन यू. मैंने खुदा से मांगा है कि मैं इसे आपके लिए दे दूं. आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं. दैट आई विल रिसीव व्हाट आई हैव आस्क्ड, कि मैं वो ग्रहण करूंगा जो मैंने खुदा से मांगा है. भाई ब्रैनम कह रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं जो प्रभु मैंने मांगा है इनके लिए वो मुझे मिल गया है. ओ हालेलुया, अ ट्रांसफर. ओ ग्लोरी. नाउ इफ यू बिलीव इट विद मी, यदि इस समय अगर आप मेरे साथ इसका विश्वास करें. विद व्हाट फेथ दैट आई हैव, उस विश्वास के साथ जो मेरे पास है. आई गिव इट टू यू फॉर दिस आवर, मैं इस घड़ी के लिए आपको देता हूँ. भाई ब्रैनम आपने तो तूफान शांत किया था. आई गिव इट टू यू, मैं आपको देता हूँ. भाई ब्रैनम आपने तो गिलेरिया बनाई थी. आई गिव इट टू यू, मैं आपको देता हूँ. सिस्टर मीडिया का ट्यूमर चला गया. आई गिव इट टू यू, मैं इसे आपको देता हूँ. दोनों बेटे बच गए सिस्टर एटी के. व्हेन यू स्पोक, आई गिव इट टू यू. ओ माय गॉड, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड. ये नबी ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहा. ये वो नबी है जिसने सबीनो कैनियन में वो तलवार हाथ में ली, तब बोला, वहां से आवाज आई, दिस इज दैट थर्ड पोल, ये वो तीसरा खिंचाव है. एक मरणहार के हाथ में राजा की तलवार, सातवीं मोहर का भेद. That's why all heaven was silent. इसी कारण पूरा स्वर्ग सन्नाटे में था. नबी ने बोला थर्ड पुल. क्यों? क्योंकि थर्ड पुल में कुछ दिया गया किसी को. अब मसीह स्वर्ग दूतों को स्वर्ग में नहीं दिख रहे, लेकिन पृथ्वी में दिख रहे हैं. एक फर्क शक्ल में, एक बॉल हेडेड मैन के अंदर. Oh my! जब खुदा और मनुष्य एक हुए, ये था वो टाइम, डिस्पेंसेशन थर्ड पुल का. Amen! Hallelujah! खुदा का भेद है क्या? What is the mystery of God? Threefold purpose क्या है? All that was in God. वो सब जो खुदा में था वो स्पॉर्ड इन टू क्राइस्ट, वो मसीह में उंडेला गया. एंड ऑल दैट वाज इन क्राइस्ट, जो कुछ मसीह में था वो ट्रांसफर, वो स्थानांतरित हो गया इन टू द ब्राइड, दुल्हन के अंदर. किस समय में? थर्ड पोल. आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड. जब मनुष्य और खुदावंद एक हुए, हेवन वॉज साइलेंट. नबी ने बताया, मैं पढ़ नहीं रहा वो. नबी ने बताया हेवन वॉज साइलेंट. क्यों? बिकॉज ऑफ द थर्ड पोल. जब खुदावंद आके एक शरीर में एक हो जाए और वो शरीर ये बोले, मैं दक्ष तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूं आज, मैं भाई हरिसन आपके लिए दुआ कर रहा हूं, मैं भाई सुनील आपके लिए दुआ कर रहा हूं. वो शख्स जो खुदा के साथ एक हो गया है, मैं भाई भाई बहन बहन आपके लिए मैं दुआ कर रहा हूं. और मैं जानता हूं भाई ब्रैनम कहेंगे, मेरी दुआ सुन ली गई है. ओ ग्लोरी लॉर्ड,
Thank you, Lord. Oh, blessed be the name of the Lord. एक स्थानांतर तीसरे खिंचाव के समय में एलिया से एलिशा में यीशु मसीह से चेलों में पतरस और यहुन्ना से लंगड़े में और आज हेलो और आज सातवें दूत से एक आखिरी आयत पढ़ा दूं प्लीज एक आखिरी आयत बस मैं खत्म कर रहा हूं आखिरी आयत पढ़ रहा हूं बस मैं कुछ कमेंट नहीं दूंगा उसमें प्रकाश वाक्य 10 उसकी सातवीं आयत पढ़िएगा भैया वरन सातवें स्वर्गदूत के तुरी फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में हाँ खुदा का गुप्त मनोरथ सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा किसके शब्द देने के दिनों में सातवें दूत अभी आपने क्या सुना सातवें दूत का शब्द ताकि खुदा का भेद पूरा हो जाए ओ माय गॉड काश आप समझ रहे हो खुदा का भेद कहां पर पूरा हो रहा है आज दुल्हन में मेरे और आपके अंदर लेकिन ये हो कब रहा है हो कैसे रहा है ये भैया इसी की आठ याद पढ़िए जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था हाँ वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा हाँ जी जा जो स्वर्ग समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है हाँ उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक कुछ खाने के लिए लाया हूं मैं क्योंकि जैसे तू ये खाएगा तैयार हो जा एक स्थानांतर के लिए ओ हालेलुया एक ट्रांसफर के लिए ये मेरा प्रिय पुत्र है ये मेरी प्रिय पुत्री है इसकी सुनो एक स्थानांतर आमेन गॉड ब्लेस यू खुदा आप सबको आशीष दे हम लोग बैठ सकते हैं मैं भाई निश्चल को बुलाना चाहूंगा आखिरी प्रेयर के लिए कि भाई यहां पर आए God bless you all. Amen. Amen. आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे जीवन के बानी जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह हमने खुदावंद आपको जीवित अपने बीच में देखा प्रभु और खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी उठने के बाद आप केवल अपने चेलों के पास गए अपने को चुनिंदों के पास गए खुदावंद ओ प्रभु यीशु मसीह उस तीसरे खिंचाव की सेवकाई में होते हुए प्रभु आपने उन पे फूका खुदावंद और उनसे कहा रिसीव ओ खुदावंद यीशु मसीह आपने अपनी आत्मा उनको दिया खुदावंद ओ प्रभु यीशु मसीह वही चेले जिन्होंने आपसे रिसीव किया खुदावंद जब वो सुंदर नाम फाटक पे गए उस प्रार्थना की घड़ी में उस 9th आवर में 3 बजे के आसपास खुदावन 3 से 4 के बीच में प्रभु ओ खुदावन जो उन्होंने प्राप्त किया था खुदावन उस तीसरे खिंचाव की घड़ी में खुदावन प्रभु एक लंगड़ा खुदावन जो अंदर जा नहीं सकता था मंदिर में जो केवल भाग बैठ के भीख मांगता था खुदावन लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो बड़ी अपेक्षा से उनकी ओर जो आ रहे थे पतरस और यूहन्ना ताकि कुछ प्राप्त कर सके वो तो कुछ पैसा चाहता था खुदावन लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु आपने वो दिन ठहराया था उसके लिए खुदावन कि वो लंगड़ा लंगड़ा ना रहे लेकिन वो चलने लगे प्रभु वो दौड़ने लगे खुदावन आपने खुदावन ठहराया था कि मिसिंग लिम्ब रेस्टोर हो सके खुदावन और आज मैं जानता हूं इस तीसरे घड़ी के समय नबी के मार्फत आपने बोला खुदावन कि रोटी और मछलियां बढ़ जाएंगी मिसिंग लिम रेस्टोर होंगे ओ खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस नबी की प्रार्थना के लिए इस संदेश में ही दैट इज एन यू में खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु आज जितने लोग अपेक्षित यहां पर आए थे खुदावन उनकी भूख और प्यास के अनुसार आपने आकर के प्रभु हमारे बीच में खुदावन उस प्रार्थना को रखा खुदावन मैं विश्वास करता हूं नबी ने मेरे लिए मेरे अजीज भाई बहनों के लिए दुआ करी प्रभु
मेरे अजीज नबी ने खुदावन हमारे लिए दुआ करी और वो स्थानांतरण किया है प्रभु। मैं विश्वास करता हूं इस तीसरे खिंचाव के समय एक स्थानांतरण खुदावन आज दुल्हन में हुआ है प्रभु, जैसे एलिया से वो स्थानांतरण एलिशा में हुआ खुदावन। आज मैं विश्वास करता हूं नबी के मार्फत कुछ हैं जो यहां बैठे हैं प्रभु जिनमें एक स्थानांतरण हुआ है खुदावन। आपके नाम की तारीफ और स्तुति और बड़ाई हो प्रभु। सच है खुदावन, हम देख पा रहे हैं कैसे वो समय खुदावन जबकि कैबिनेट में इजाबेल घुस चुकी है खुदावन, जबकि एक आहाब दोबारा आ चुका है प्रभु, जबकि पैसा टूट गया है खुदावन, मंदी आ गई है, फिर भी वो आहाब कहता है कि अमरीका भी टूटा नहीं है, एक फॉल्स होप के साथ जी रहे हैं खुदावन। लेकिन हम जानते हैं खुदावन जो बोला गया है वो पूरा हो चुका है प्रभु, और आज हम जानते हैं खुदावन एक स्थानांतरण खुदावन एक दुल्हन के अंदर किया गया है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपकी तारीफ करता हूं खुदावन, आपके नाम की जय और स्तुति और तारीफ। अजीज भाई डॉनी को बड़ी बरकत दे प्रभु। ओ खुदावन मेरे तमाम भाई बहनों को बड़ी बरकत दे खुदावन, मेरे अजीज भाई पास्टर आशीष भाई को बड़ी बरकत दे खुदावन खुदावन, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही कहा है कि मैं इस नबी की आवाज हूं। ओ खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह। अजीज एल्डर भाई टाइटस के लिए खुदावन संपूर्ण चंगाई दे प्रभु। सिस्टर सीरत के लिए प्रार्थना करता हूं खुदावन डिस्चार्ज प्रदान करें, घर आए प्रभु और आपके भवन में रिस्टोर हो जाए प्रभु, मदद करें प्रभु। आपका नाम मुबारक हो, स्तुति हो, बढ़ाई हो। हम जब भाई बहन इस संदेश को प्राप्त करके खुदावन जब घर जाते हैं इस आनंद में बने रहे खुदावन, हम में से कोई कमजोर ना फील करे प्रभु, लेकिन इस वचन की ताकत में खुदावन बाहर निकले प्रभु, जैसे उस कमरे में उपराटी कोठरी में हुआ था, जब वो कमरे से बाहर निकले लोग सोचे थे ये नशे में है, लेकिन खुदावन वो जानते थे कि उनके बीच में एक प्रोफेसी पूरी हुई है खुदावन। ओ खुदावन यीशु मसीह इसी उन्माद में होते हुए अपने घरों को जाएं प्रभु, आपके नाम की तारीफ हो। हर एक भाई बहन को बड़ी बरकत दें, वे जो इंटरनेट पे भी है खुदावन को बड़ी बरकत दें प्रभु, आपके नाम की तारीफ हो। आदर महिमा धन्यवाद स्तुति बढ़ाई महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आए हमारे पाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन में पूरी हो। माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूर को माफ फरमाएं, बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बड़ी बरकत दे। द सर्विस इज डिसमिस्ड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आप लोग एक दूसरे से मुलाकात करके जा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।